पर कोई प्रश्न है तो। देख लेते हैं कोई प्रश्न है बेस्ड है तो। ठीक है, एक तो पल्लवी जी का प्रश्न है जी। पल्लवी जी बताइए। हाँ सर, एक यहाँ तक सर ऑब्जर्व हो रहा है कि अंदर अनकंफर्टेबल फीलिंग आ रहा है, तो सर बाहर से तो थोड़ा हो गया है कि बाहर की बाहरी वजह से अगर समझ में आ रहा है कि अनकंफर्टेबल है तो उसको कंफर्टेबल कर सकते हैं थोड़ा प्रयत्न करके, और ऑब्जर्व भी हो रहा है, थोड़ा एक्सपीरियंस हो रहा है। सर ये कहना है कि हमारी ही तरह से कभी गलती में लाइक कमिट कर दिए, अब वो करना है काम, सो अब हम कमिटमेंट कर दिया वो काम करना ही है, और बाद में थोड़ा सा वो करने के टाइम में अनकंफर्टेबल फीलिंग आ रहा है, पर हमें वो अनकंफर्टेबल मतलब वो थोड़ा सा डायरेक्शन लग रहा है कि ये गलत है, पर वो हम कमिट कर दिए तो हम वो कंटिन्यू कर रहे हैं अगर, तो उस वक्त तो अनकंफर्टेबल फीलिंग रहता ही है, लाइक वो मुझे लग रहा है कि वो हम काम बंद करेंगे तभी शायद जाएगा अनकंफर्टेबल, वो थोड़ा सा मतलब हमारी बाहर के तरफ से तो समझ में आता है सर, अंदर से ही अगर कुछ हेलो सर। जी 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 मैं सुन रहा हूँ आपकी बात। हाँ देखिए अभी क्या है, हमने कुछ बेहोशी में निर्णय ले लिया। हाँ सर। हाँ अभी होश आया, हमको लगता है गलत हो गया। हाँ ठीक है ना, लेकिन हमने कमिटमेंट किया तो हम करते रहेंगे ऐसा सोचते हैं। ठीक है हाँ, लेकिन अभी जो उसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है, प्रॉब्लम ये हो रही है कि हमारा उसके प्रति विरोध का भाव बन गया। प्रॉब्लम ये नहीं कि उस काम को हम कर रहे हैं। ओके तो अगर हमने ही कमिट किया था और बेहोशी में किया था, अभी दिख गया कि ये बेकार का काम था, ठीक है ना, हाँ, तो कोई बात नहीं है। अब जो है हम तय कर लें कि भाई आगे बेहोशी में नहीं करेंगे। हाँ सर, एक सिर्फ क्वेश्चन इस पे है कि हमको अनकंफर्टेबल फीलिंग है। एक मिनट पूरा करने हाँ, 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 हाँ। तो ये अनकंफर्टेबल फीलिंग इसलिए है क्योंकि हमारे में विरोध का भाव आ गया उस काम के। तो दो काम करना पड़ेगा अपने को, एक तो ये देख लेना पड़ेगा कि हमने बेहोशी में निर्णय लिया था, हाँ, तो आगे अब होश में निर्णय लेंगे, यही तो प्रोएक्टिव काम हो सकता है। लेकिन हाँ, दूसरा ये कि हमने पहले बेहोशी में निर्णय ले लिया और दूसरे को कमिट कर दिया, तो हम इसको पूरा कर दें उसके प्रति कोई विरोध का भाव रखे बिना। हाँ, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? सर पूछू क्या अभी? हाँ सर, मुझे ये पूछना है कि फीलिंग ऑफ ऑपोजिशन के वजह से अनकंफर्टेबल हो रहा है या अनकंफर्टेबल हो रहा है इसीलिए फीलिंग ऑफ ऑपोजिशन आ रहा है, कैसे मतलब? ये आपको देखना शुरू करना पड़ेगा। हाँ, निष्कर्ष क्या निकलेगा वो मैं बता सकता हूँ। निष्कर्ष ये निकलेगा कि हमारा ऑपोजिशन का भाव आ गया इसलिए अनकंफर्टेबल है। नहीं मतलब हम गलत और सही, हमारे लिए हम अगर हम अंदर में जो फीलिंग है उसके हिसाब से हम डिसाइड करें कि गलत क्या है मेरे लिए, सही क्या है, या हमेशा मतलब वो थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन हो रहा है कि हम अंदर कुछ ये है, ये दो चॉइस, दो करेक्ट चॉइस है, तो हम ये इसमें अनकंफर्टेबल है इसमें कंफर्टेबल है, ऐसे करके हम चॉइस कर सकते हैं अपने काम के लिए या क्या मतलब? फंडामेंटल बात जो है वो तीन चीजें कही हम लोगों ने कि संबंध का भाव, व्यवस्था का भाव, अस्तित्व का भाव। हाँ, विपरीत विरोध का भाव, अव्यवस्था का भाव, संघर्ष का भाव। हाँ, इतने को सेटल कर लीजिए कम से कम। ठीक है ना, तो कोई बाहर गलत कुछ हो रहा है ना, हाँ, आप क्या करेंगे उसके प्रति विरोध का भाव लाएंगे या उसके प्रति हम जिम्मेदार महसूस करेंगे, संबंध का भाव रखेंगे,
और उस संबंध के भाव के साथ उसको ठीक करने के लिए क्या करना है इसको तय करेंगे, है ना। अभी हम क्या करते हैं, ठीक करने के लिए तो कुछ करते नहीं है, विरोध का भाव ले आते हैं और उससे दुखी होते हैं। हाँ, नहीं, हमारे लाइफ डिसीजन चॉइस में ये चॉइस या ये चॉइस करें, दोनों सही है, सही दिख रहा है, कहीं गलत नहीं है। क्या चीज की बात, भला करें या उसका भला करें, ऐसे अगर है तो फिर पहले ये तो तय कर लीजिए कि भाव ठीक क्या रखना है। हाँ, एक्स और वाई दो लोग हैं, हाँ, दोनों के प्रति भाव क्या रखना है, दोनों के प्रति तो रिलेशन का भाव रखना है, तो सेटल कर लीजिए पहले, उससे आप तो सुखी हो जाएंगे। अब इसको वर्कआउट करिए कि भैया दोनों के प्रति हमारा संबंध का भाव है, दोनों के प्रति जिम्मेदारी है। हाँ, अभी किसके प्रति पहले जिम्मेदारी को पूरा करना है, फिर किसके बाद ये करना है। हाँ, तो ये हम अंदर के फीलिंग के हिसाब से डिसाइड करेंगे या उल्टा करेंगे कि पहले, मतलब वो कैसे डिसाइड करे ऐसे कि इसके लिए इसके लिए। तो फिर देखिए, एक बार भाव ठीक है तो हम फिर पूरा अपने आंसर आ जाएगा, ऐसे बोल रहे आप, दूसरे के स्थिति का आकलन करेंगे, पूरी परिस्थिति का आकलन करेंगे, है ना। हाँ, करेंगे जैसे जो हमारे लिए करेक्ट कि भाई ये सही समझने की बात हमको जहां तक हो पाई है उतना हमको आराम मिला है, तो दूसरों को भी ये मिल जाए। हाँ, तो फिर हम लोगों ने कुछ लोगों के साथ उस पर चर्चा शुरू किया, उसको करते करते एक बात समझ में आया कि भाई ये शिक्षा में ही जाना चाहिए, बात शिक्षा में तो हम लोगों को भटका रहे हैं, है ना। और उसके बाद जो है 50-50, 25-25 लोगों का वर्कशॉप कर रहे हैं, तो ये दिखने लगा कि पूरी शिक्षा में लेकर चले इसको, ठीक है ना। शिक्षा में लेकर जाने की कोशिश की है तो लोग अपने ढंग से सोचते हैं, है ना, बहुत सारे सवाल उठाते हैं, वो सब क्रम चला। एक समय ये कम से कम एक कॉलेज में ये स्वीकार हुआ कि हाँ भाई करना है इसको, एक कॉलेज में हुआ, फिर एक यूनिवर्सिटी में हुआ, अभी पूरे सिटी में हो गया, है ना। तो जब आप अपना भाव सही रख के सोचना शुरू करते हैं तो ये सारी चीजें होती हैं, धीरे धीरे आपको रास्ता दिखता है। अब ये दिखता है कि भाई ठीक है, अच्छी बात है, कम से कम 15 लाख बच्चों तक इसको हर साल पहुंचाया जा पा रहा है, करीब करीब 70,000 टीचर तक ये बात पहुंची है। अब ये टीचर कौन है ये आपको पहचानने की जरूरत नहीं है, लेकिन हर एक के लिए तो पहुंचना ही है, ठीक है कि नहीं। हाँ, फिर प्रश्न ये बनता है भाई इंजीनियरिंग में क्यों कर रहे हैं आप, यूजीसी में क्यों नहीं कर रहे, तो वहां भी करना बनता है, धीरे धीरे लोग पढ़ेंगे तो वहां भी करेंगे। फिर हायर एजुकेशन में क्यों कर रहे हैं, स्कूल एजुकेशन में क्यों नहीं कर रहे, तो वहां भी करना बनता है। तो ये रास्ता सहज रूप से निकलना शुरू हो जाता है। हाँ, आपका भाव ठीक हो, समझ ठीक हो, हाँ कि नहीं। हाँ, यस, थैंक यू सर जी। तो अब हम लोग के पास ऐसा रास्ता है कि हम लोग पूरे देश के लोगों के लिए सोच सकते हैं, पूरे विश्व के लोगों के लिए सोच सकते हैं, है कि नहीं। हाँ, सोचना शुरू करते हैं। ठीक, तो समय हो गया, हम लोग यहाँ रोक लेते हैं, सबको धन्यवाद, कल हम लोग कंटिन्यू करेंगे इस पर। तो पूरे पहले स्टेप 1, 2, 3 को देख लीजिए, उस पर कैसा काम चल रहा है उसको देख लीजिए, उसके संदर्भ में जो भी आपकी शेयरिंग है, जो भी प्रश्न है, उस पर हम लोग कल बात करेंगे। नवीन कुमार जी, आपको हिंदी में पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। हाँ सर, नमस्ते सर जी। नमस्ते, नमस्ते। एक्चुअली अभी हम लोग देख रहे थे, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट शुड नॉट कंट्रोल अस, बाहर का जो है वो अपने आप आपको कंट्रोल नहीं करेगा। तो हाउ, एक वन थिंग, अभी मैं इसके अंदर एक सिचुएशन शेयर करना चाहूंगा। एक्चुअली टुडे एंड टुमारो इज हॉलीडे, आज और कल, तो ऑफिस में से एक ऑर्डर आ गया, तो 2 दिन आप काम करना पड़ेगा, इवन इट्स ऑन हॉलीडेज आल्सो। सो सडनली जो कुछ प्लान है सब बिगड़ गया, तो एंगर का भावना आ गया, एंड इट इज नॉट अ नेचुरल स्टेट ऑफ मी।
So I am unhappy. अभी इट इज कॉमन स्टेटस है या कुछ मेरे अंदर कुछ रॉन्ग फीलिंग्स आ रहे हैं? आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग. देखिए अभी तो कॉमन ही है, हाँ सर. कॉमन इसलिए है कि अभी तो हमारा बेसिकली देखेंगे तो ज्यादातर एक दूसरे के प्रति विरोध का भाव है। ये हाँ सर. जो एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय जो रिलेशनशिप है आज के दिन, हाँ सर. उनके बीच में फीलिंग ऑफ रिलेशनशिप है कि फीलिंग ऑफ अपोजिशन है मोस्टली? मोस्टली शायद अपोजिशन था. अपोजिशन है इट इज लाइक तो एक्सपेक्टिंग ऐसा मोर इन गिवन टाइम. जी। ज्यादा लेना चाहते हैं जो जो समय है उसके अंदर जरूरत से ज्यादा उनका एक्सपेक्टेशन या ग्रीडी भावना हम बोल सकते हैं उसको, लालची भावना. जी, वही मैं कह रहा हूँ, आप उसको ग्रीडी मानते हैं, वो आपको मानते हैं कि आप कुछ काम आप नहीं करते हैं, पैसा हाँ सर. लेना चाहते हैं। विरोध का भावना बीच में. फीलिंग ऑफ अपोजिशन तो पहले से ही है, ऐसा नहीं कि अभी इस घटना से हो गया, हाँ सर. इतना ही कि इस घटना से वो फ्लेयर अप हो गया अभी। ठीक है ना? हाँ सर. हाँ, तो ये सबको अभी धीरे धीरे देखना पड़ेगा कि सारा समाज का डिजाइन हम लोग ऐसा बना लिए है और पूरा हमारा एजुकेशन ऐसा हो गया है कि जिसमें हम विरोध के भाव को बेस में रखकर शुरू करते हैं, इसलिए वो कभी भी निकल आता है बाहर। हाँ सर. इसलिए हम लोग बार बार कह रहे हैं कि पूरा शिक्षा को ही ठीक करना जरूरी है, पूरे समाज को ही अभी ठीक करना जरूरी है, लेकिन समाज को ठीक करने के लिए शिक्षा ठीक होना जरूरी है, शिक्षा के ठीक होने के लिए हमको खुद ठीक होना जरूरी है, नहीं तो ठीक कौन करेगा कि हाँ सर. नहीं? ठीक है सर. एक्चुअली इस क्षण को मैं कैसे डाइजेस्ट कर पाऊँ? हाउ टू हैंडल दिस सिचुएशन सर? देखिए इसको तो हम लोग इस तरह से हैंडल कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि भाई हम तो सुखी होना चाहते हैं ना, वो तो यस सर. सही है। करेक्ट. हमारा जो कॉलेज का मालिक है वो हमको दुखी करना चाहता हो या सुखी करना चाहता हो, हम क्या चाहते हैं? हम सुखी चाहते हैं. हम सुखी होना चाहते हैं, और अगर हमारा भाव सही होगा तो हम सुखी हो जाएंगे, ये हमको पता चल गया है। अच्छा. वो भाव तो मालिक के ऊपर निर्भर नहीं कर रहा है कॉलेज के, हाँ. वो भाव हमारे ऊपर निर्भर कर रहा है कि हमको क्या भाव बनाना है। तो हम तो अपने में संबंध का भाव रखेंगे, चाहे हाँ सर. वो हमसे अच्छा व्यवहार कर रहा हो चाहे गलत व्यवहार कर रहा ओके. हाँ सर. हो। अब हम सही भाव को बनाए रखते हुए सुखी रहते हुए उसको रिस्पॉन्ड करेंगे। ठीक हाँ सर. है ना? अभी हम क्या करते हैं, अभी हम रिएक्ट करते हैं। सॉरी टू इंटरप्ट. जो सही हम लोग उसके भाव रख रहे हो तो इट इज द नॉट लाइक हम लोग अपने आप को कुछ फूल बना रहे. जो सामने वाला ऐसा है फिर हम उसके साथ सही भाव कैसे रख सकते हैं? तो अंदर से क्वेश्चन उठता फूल बा देखिए अपने को फूल मतलब बेवकूफ तो हम बना ही रहे हैं ऐसे भी। है. हाँ सर. अगर उसने कोई गलती किया और हमने अपना भाव बिगाड़ लिया और दुखी हो गए तो हाँ सर. हम अपने को भी मूर्ख बना रहे हैं हाँ सर. और पूरे वातावरण को भी बना रहे हैं। अभी कम से कम इतना तो होगा कि हम अपने को मूर्ख नहीं बनाएंगे, है ना? ठीक है, उसके बाद हम विचार करेंगे कि क्या करना है। एक्चुअली हैप्पीनेस के लिए हमको एक स्टेप आगे बढ़ना है कि चलो उनके साथ एक अच्छा संबंध बना लेंगे फर्स्ट. मैं वही कह रहा हूँ, भाव हमारा ठीक हो, भाव ठीक हो उस भाव के साथ हम तो सुखी हो जाएंगे। उसके बाद कनेक्ट. अगर हमको लगता है कि ये आदमी गलत कर रहा है, उसको हाथ पकड़ के रोकना है, तो उसके लिए उपाय करेंगे हम। जैसे छोटा बच्चा अगर आग में हाथ डाल रहा हो तो हम उसको हाथ पकड़ के रोकते हैं, ऐसा रोकते समय हमारे में स्नेह का भाव होता है कि विरोध का भाव होता एक्चुअली स्नेह का भाव ही होता है सर. एक्चुअली इट इज स्नेह का भाव. है? तो अभी ये सूचित करना है संबंध कि कॉलेज का मालिक है, ये दोनों है. हाँ सर. का शोषण कर रहा है, ठीक है ना? तो ये गलत कर रहा है,
लेकिन हमको क्या करना है, उसके प्रति संबंध का भाव रखना है कि विरोध का भाव रखना है? एक्चुअली संबंध ही रखना पड़ेगा, विरोध तो अपने आप को डिस्टर्ब ही करेगा डेफिनेटली। ठीक बात है, तो हम अपने में संबंध का भाव रखेंगे, उसके बाद हम ये देख पाएंगे कि ये आदमी दूसरों का शोषण करने का भाव रख के दुखी हो रहा है, तो आग में हाथ डाल रहा है, अंदर का आग, बाहर का आग नहीं, अंदर का आग। हाँ सर। अब उसको हमको रोकना हो तो हाथ पकड़ के रोकने के सोचेंगे, उसमें क्या है? वो अभी हम सोच ही नहीं पाते हैं क्योंकि हम तो खुद ही रिएक्शन में आ जाते हैं, हम खुद ही डिस्टर्ब हो जाते हैं, हम उसके लिए कुछ सोच ही नहीं पाते। देखिए, जब हम लोगों ने इसको शुरू किया ना, ये ह्यूमन एनालिसिस का काम शुरू किया, जब एक कॉलेज में किया था तब तो बहुत वन टू वन टीचर के साथ बात हो रही थी और सब चल रहा था। जब हम लोगों ने यहाँ यूपी टेक्निकल यूनिवर्सिटी में इसको शुरू किया, 550 कॉलेज थे, उसके टीचर्स जब आए पहले वर्कशॉप में, कुछ 55 टीचर्स थे वर्कशॉप करने के लिए, तो उन टीचर्स में से ज्यादातर लोगों ने पहले 4 दिन उनका जो मुख्य प्रश्न था वो यही था कि हमारा जो कॉलेज है उसके जो मालिक है ना, वो तो लड़कों का शोषण कर रहे हैं स्टूडेंट्स का, तो अगर हम उनसे ह्यूमन वैल्यूज की बात करने जाएंगे तो वो हमसे कहेंगे कि पहले जाके मालिक को बताओ कि वो हमारा शोषण कर रहा है, शोषण ना करें, ठीक है ना? तो बच्चे हमसे क्यों इस बात को सुनेंगे? और बहुत जेन्युइन था उनका प्रश्न। तो हम लोगों ने कहा कि जो बात हो रही है उसको समझ लीजिए, है ना, और देखिए भाई ये उपयोगी बात है कि नहीं। तो ये चलता रहा, 4 दिन में उनको धीरे धीरे ये दिखने लगा कि जो बात हो रही है वो उनके खुद के लिए उपयोगी है, उनके परिवार के लिए उपयोगी है। तो कई लोगों ने कहा कि ठीक है, हम इनको कॉलेज में जाके पढ़ाए चाहे ना पढ़ाए, लेकिन इतना हमको दिखने लगा है कि ये हमारे लिए और हमारे परिवार के लिए उपयोगी है, इसलिए हम इसको समझेंगे ठीक से, ठीक है ना? तो अभी क्या हमको लगता है कि बाहर सब गड़बड़ है इसलिए कुछ नहीं हो सकता? हम जब काम शुरू करते हैं तो हमको पता चलता है कि भाई हमको तो आराम मिल ही रहा है, एक दूसरा हम बच्चों के साथ काम करते हैं तो बच्चों को भी आराम मिलने लगता है। अभी मालिक हमारा सुनने को भले तैयार ना हो, बच्चे तो तैयार है सुनने को, बच्चे को तो हम सही शिक्षा दे सकते हैं, अपने मित्रों को तो दे सकते हैं। हाँ, इतने से शुरू करते हैं धीरे धीरे। फिर हमको ये सोचना पड़ेगा कि हम इस तरह से दूसरे के दबाव में क्यों चल रहे हैं, क्या हम तरीका भी जीने का है ना, अपने आय का, इनकम का कोई और भी तरीका निकाल सकते हैं जिसमें ऐसा दबाव ना हो, ये सोचना पड़ेगा। हम क्यों ऐसे फंस जा रहे हैं बार बार जाकर? अनपढ़ आदमी है वो इसके बाध्यता में नहीं है, वो अपना कुछ कमा खा ले रहा है, हम ही क्यों बाध्यता में आ गए इतना पढ़ लिख कर? तो हम रिस्पॉन्स की सोचेंगे तो ये सब सोचना शुरू करेंगे, तो फिर धीरे धीरे दिखेगा कि ऐसा ही नहीं कि वो शोषण कर रहा है, ये दिखेगा कि हम समाज में जितना मिल सकता है हमारे श्रम के लिए उससे ज्यादा हम ले रहे हैं, और उसमें हम सब मिलके कर रहे हैं इस काम को, ये जो मालिक है ये भी कर रहा है, हम भी यही कर रहे हैं, कम श्रम से ज्यादा ले रहे हैं और उसको भोग रहे हैं। तो हमको अपना शोषण नहीं दिखता है, दूसरों का शोषण दिखता है। तो कि नहीं, अभी जिनको 2 लाख की तनख्वाह मिलती है वो कितना घंटा पढ़ाते हैं और उसका पर घंटा कितना होता है, अगर आप जोड़ के देखेंगे तो आपको पता लगेगा। अनइक्वल टर्म्स ऑफ एक्सचेंज है अभी समाज में, तो एक सिस्टम है जिसके थ्रू हम एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, उस सिस्टम के जो रूल है उसके तहत जब हम काम करते हैं तो हमको लगता है कि हम ईमानदार हैं, जबकि ऐसा नहीं है, उसको सबको भी सोचना पड़ेगा। और क्योंकि हम उस सिस्टम से कुछ एक्स्ट्रा ले रहे हैं इसलिए हम दबाव में हैं दूसरों के। तो जब आप रिस्पॉन्स करने की सोचेंगे तो ये सब बातें ध्यान में आएंगी।
जी सर, तो ऐसा नहीं कि वो मालिक ही बदमाश है, पूरे समाज की व्यवस्था के हिसाब से देखेंगे तो हमारा भी स्थिति क्या है उसको हमको समझ में आएगा और हम उस पर कुछ रिस्पॉन्ड कर पाएंगे, उसको इम्प्रूव कर पाएंगे। वी आर ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट। यस ट्रू सर, राइट। थैंक यू सर। इसीलिए क्या देखिए हम लोग जब बात करें कि पूरे एग्जिस्टेंस तक को समझना इसीलिए जरूरी है, सेल्फ को समझना जरूरी है, फैमिली को समझना जरूरी है, सोसाइटी को समझना जरूरी है, नेचर को समझना जरूरी है, इसमें हार्मनी क्या है ना, ये समझना जरूरी है, उस हार्मनी के साथ हम जी सकते हैं इसको समझना जरूरी है और उसके लिए प्रयास शुरू होना जरूरी है, तो धीरे धीरे चलेंगे अपन। हाँ सर, इसीलिए हम लोग कहते हैं सेल्फ डेवलपमेंट, टीम डेवलपमेंट एंड सोसाइटल डेवलपमेंट। डेवलपमेंट तो तीनों का होना है, बट इस सीक्वेंस में चलेंगे तो आराम से चल सकते। फर्स्ट अपने से लाना है उसको चेंजेस, देन वी कैन एक्सपेक्ट। देन वी हैव टू मेक द टीम, वी हैव टू यू नो काइंड ऑफ डेवलप द राइट यू नो काइंड ऑफ सिमिलर ग्रुप ऑफ पीपल who can see the importance of the self-development, the team development and the societal development. फिर इस टीम के थ्रू हम लोग सोसाइटी के लिए काम कर सकते हैं। तो अभी UHV टीम को देखेंगे तो यही काम कर रही है, सेल्फ डेवलपमेंट का, फिर टीम डेवलपमेंट का, उसके थ्रू एजुकेशन के में जो हम लोग ला सकते हैं बदलाव उसके लिए काम कर रहे हैं। तो जब एक समय ऐसा था कि जैसा मैंने बताया कि टीचर तो सुनने को तैयार नहीं थे, आज के दिन हम लोग कम से कम पूरे देश के 70,000 टीचर्स तक इस बात को पहुंचा पाए, कम से कम 1,000 लोग हो गए हैं जो अब इस काम को बहुत जिम्मेदारी से कर रहे हैं। यस सर, एकदम बढ़िया है कि नहीं। और एक बार अपन मेन स्ट्रीम एजुकेशन में ले आए तो हमारे जो स्टूडेंट्स निकलेंगे वो ज्यादा जिम्मेदारी से सोच पाएंगे, कर पाएंगे। सर, एक अच्छा नागरिक बन के निकलेंगे सर, और वो वहीं से फैलाएंगे एक्चुअली एंटायर सोसाइटी सिस्टम में। गुड थिंग। फिर वो अपने साथ जो काम कर रहे हैं उनका शोषण नहीं करेंगे। अच्छे लीडर बन जाएंगे। टू यस यस सर, आई शुड ब्रिंग द चेंजेस। वहीं मुझे लगा आई एम पुलिंग माय सेल्फ। नहीं, वो अपने अपने तो सामने दिख रहा है, तो चलो अल्टीमेटली वी शुड बी इन हार्मनी। खुश रहना है तो लेट्स कनेक्ट फर्स्ट, फिर बाद में रियलिटी को देखेंगे क्या है। तो बहुत इंटरेस्टिंग है, देखिए अपने को समझ में आने लगे तो हम बहुत इफेक्टिव एजेंट फॉर चेंज हो सकते हैं। इमीडिएटली बहुत सारे चेंज हो सकते हैं, इन द लॉन्ग रन ज्यादा बड़े चेंज हो सकते हैं। Yes, sir. Definitely. True, sir. ठीक है, तो हम रविंद्र जी का प्रश्न ले लेते हैं, उसके बाद जो आज हमको समअप करना है वो मैं कर दूंगा आधा घंटे में। जी रविंद्र जी बताइए। पांडे जी नमस्ते, आवाज आ रही है मेरी? अब आपकी आवाज आ रही है। ओके, सभी को नमस्ते। जब मैं स्वयं के द्वारा स्वयं को देखता हूँ तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जब मेरे इच्छा विचार और आशा जो कुछ भी मेरे फेवर में होते हैं या जो कुछ भी मैं प्री डिसाइड नहीं करता हूँ, तब तो मुझे ऐसा लगता है कि हर कोई हर चीज मेरे यानी हार्मनी में चल रही है। या कभी कभी ऐसा होता है कि कोई सिचुएशन मैं अपने दिमाग में क्रिएट कर लेता हूँ। रिसेंट एक चीज है, मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा और उस न्यूज़पेपर में एक न्यूज पढ़ी और वो मेरे जीवन से रिलेट करनी चाहिए, और सेम सिचुएशन मेरे घर में थी और मुझे ऐसा लगा कि ये जो पेपर में पढ़ रहा हूँ सेम चीज मेरे साथ होने वाली है, तो मैंने उसका प्री एजम्पशन बना लिया। और जैसे ही मैंने उस कंडीशन में गया तो बाद में मुझे हर क्षण हर पल उसी टाइप के विचार आ रहे थे। और जब मैं ये चीज उमेश भैया से डिस्कस किया और उमेश भैया ने मुझे कहा कि आप फिर
स्वयं के द्वारा स्वयं को देखिए, और मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि जो कुछ भी बनाया है मैंने ये दिमाग में बनाया है, और मैंने झटकर से वो चीज निकाल फेंकी, और निरंतर सुख का जो ये है कि निरंतर सुख मुझे क्या चाहिए, निरंतर सुख, निरंतर सुख। तो निरंतर सुख जब मैं बोलने लगा तो मुझे समझ में आ गया कि जो कुछ भी मैं दिमाग में सोच रहा था वो सब वैनिश हो गया। और बहुत बार ऐसा होता है पांडे जी कि जब हम किसी से बात करते हैं तो उस इच्छा विचार आशा तब हमारे में चलती है, और इच्छा विचार आशा में जब हम बात करते हैं तो हम प्री डिसाइड कर लेते हैं कि ये मेरे फेवर में है या नहीं, जब मैं स्वयं को स्वयं में देखता हूँ। और फिर उससे अगर वो सहज होती है तो सहज जितनी चीजें है उनको मुझे लुक ओवर करना नहीं पड़ता है, या मुझे समझ में नहीं आती कि मैं कंटिन्यूस हैप्पीनेस में हूँ। बट जब मैं कॉन्ट्राडिक्शन में चला जाता हूँ, जब वो मेरे अपोज में चली जाती है, या मैं कहूँगा कि जिसमें मेरी स्वीकृति नहीं होती है, तब वो चीज मुझे कहीं तो भी यानी परेशान करने लगती है और मैं अनस्टेबल हो जाता हूँ। ये मैंने ऑब्जर्व किया है कुछ एक दो दिनों में। बहुत अच्छी बात है, इसी बात को तो ऑब्जर्व करना है, और एक बार ये ऑब्जर्वेशन में आ गया तो फिर आगे तय करना है कि जो नेचुरल है उसको चलाएंगे, जो अननेचुरल है उसको चलाएंगे, वो निर्णय भी हमको करना है कि नहीं। राइट। अब क्या उसी में हम निर्णय करते जाते हैं गलत भाव के पक्ष में, असहज भाव के पक्ष में, और दुखी होते जाते हैं, खुद दुखी होते हैं और दुखी होकर दूसरों को फिर रिएक्ट करते हैं, है कि नहीं। राइट। और एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन, दूसरी सिचुएशन से तीसरी सिचुएशन में वो परकुलेट होते जाता है कि मैंने तो एक ही सिचुएशन में रिएक्ट किया था, पर वो रिएक्शन मेरा हर सिचुएशन में चला जा रहा है। अब उसके बाद तो मुझे रियलाइज नहीं होता कि मैं यानी परेशानी में क्यों जा रहा हूँ। तो मैं जब बैक आता हूँ उसी सिचुएशन पे और उसी पे काम करता हूँ, तब मुझे समझ में आता है कि नहीं, यहाँ पे मैं गलत था, अभी ये अगर मैंने ठीक कर लिया तो मैं आगे चल पाऊंगा। बिल्कुल ठीक बात है। देखिए अच्छी बात है कि ये सब रियलाइजेशन अब हम लोग को होने लगा है, अपने में दिखने लगा है। ये जो मानते थे ना, ये दूसरा जिम्मेदार है हमारे दुख के लिए, अब पता लगता है कि अपने सुख दुख के लिए हम ही जिम्मेदार है। है कि नहीं? यस 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 भैया जी, बढ़िया, बहुत अच्छा, ठीक है। मैं और एक जी, और एक लास्ट चीज शेयर करनी थी भैया, क्या कर सकता हूँ? जी जी थोड़ा ब्रीफ कर देंगे तो, और मैं भी है, हम लोग पहले तीन स्टेप को सम अप करना चाहते हैं। ओके ओके भैया, आप बता दीजिए, पूरी कर दीजिए अपनी बात। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब कभी भी छुट्टी आती है और कॉलेज से कोई फोन आता है कि ये काम आपको करना है, तो हम परेशानी में आ जाते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि सब छुट्टी पे है और मैं क्यों काम करूं। तो ये जो कॉन्ट्राडिक्शन में मैंने बनाया है, खुद में बनाया है, पर अगर मैं इसमें सोचता हूँ कि निरंतर सुख, आज छुट्टी है तो मैं आज काम कर लूंगा, कल काम होगा पर मैं छुट्टी ले लूंगा, तो ये अगर मैं अंदर सोचता हूँ तो मुझे परेशानी नहीं होती। जी ठीक कह रहे हैं, अभी तो बात हुई इसके पहले इसी बात पर कि दो दिन की छुट्टी में काम में बुला लिया गया तो क्या हुआ और क्या हम लोग कर सकते हैं। राइट राइट राइट, यही भैया, थैंक यू भैया, थैंक यू जी, बढ़िया, धन्यवाद। तो अभी हम लोग हिंदी सेशन को शुरू करते हैं, कोई प्रश्न अगर अंग्रेजी में पूछना रह गया हो तो हम लोग कल उसको पूरा करेंगे, अभी हिंदी में कोई प्रश्न है तो उस पर हम लोग बात कर सकते हैं और फिर पूरे को सम अप करेंगे। गुड मॉर्निंग सर जी, नमस्ते। नमस्ते सर, नमस्ते। The thing is that question I'll be putting in English, but I can understand Hindi.
Can I ask the question or should I wait for tomorrow? I think it's better to wait for tomorrow. Okay, sir. Okay. Okay. Yeah. जी बताइए, और कोई प्रश्न है तो हिंदी में कोई प्रश्न है तो उस पर बात कर लेते। चंदन लाल जी का कोई, चंदन जी का प्रश्न था, अगर उनको कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। स्वपन चंदन जी का बताइए। नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते सभी। सर बस वही है, सेल्फ रिफ्लेक्शन एक्सप्लोरेशन, कोई फीलिंग ऑफ रिलेशनशिप। वी आर डूइंग द एक्सप्लोरेशन तो अभी वही स्टेप वन पे ही बार बार जाते हैं, व्हाट काइंड ऑफ फीलिंग और व्हाट आई एम नाउ राइट नाउ फीलिंग। तो मैं देखता हूँ कि कई बार तो अपने साथ ही पहले रिलेशनशिप बनाना बड़ा जरूरी है, अपने को समझना। ठीक बात। बहुत बार तो अपने यही बड़ा फीलिंग ऑफ ऑपोजिशन आता रहता है, ऐसा क्यों कर दिया, ऐसा क्या करना चाहिए था। क्योंकि वही है कि पहले तो फ्लो होने देना विदाउट रिएक्शन, हो यही रहा है, फिर उसके बाद कहीं ना कहीं जब दूसरी तरफ से भी रिएक्शन आता है तो पता चलता है कि उस वक्त भी पता चल रहा है, ये नहीं है कि अवेयरनेस नहीं है कि जब व्हेन आई एम रिएक्टिंग। तो वो पर कहा, यही हमने कहा कि भाई उसको फ्लो होने दें एंड देन ऑब्वियसली वी कैन वर्क ऑन इट नेक्स्ट टाइम। तो मैं देख रहा हूँ कि अपने प्रति बड़ा जिम्मेदारी, अपनी रिलेशनशिप तो सबसे पहले तो अपने प्रति जो जो ऑपोजिशन है वो ख़त्म हो जाए या अपने प्रति आ जाए, तो वो बहुत उसमें एफर्ट है। और जैसे आपने कहा कि भाई अपने शरीर के प्रति भी जिम्मेदारी या शरीर के साथ भी रिलेशनशिप, तो उसके लिए भी काफ़ी काम हुआ है कि जिम्मेदारी के स्वाद के लिए खाना है, या इवन आज सुबह जो बात हो रही थी कि नर्चरिंग के लिए, तो काफ़ी उस पर भी काम चल रहा है ताकि अपने शरीर के साथ भी रिलेशनशिप रहे पॉजिटिवली। तो मैं शेयर करता हूँ कि मैं 7-8 साल 25 साल सैर जाता रहा यही सोच के फिट बॉडी में फिट माइंड होगा, तो उसे ठीक है बॉडी मेंटेन रही बट माइंड तो शायद स्टेबल बिल्कुल नहीं हो पाया। पर ये 6 महीने लास्ट जो एक्सप्लोरेशन हुआ है इसने काफ़ी माइंड को भी स्ट्रेंथ दिया है, और इवन वर्क प्लेस, घर पे थोड़ा और स्ट्रगल है अभी, पर वर्क प्लेस में भी काफ़ी कई प्रॉब्लम्स आती रहती हैं बिकॉज मेरे स्टूडेंट वेलफेयर की जिम्मेदारी है, तो पेरेंट्स टीचर्स ऑल दे कम। तो अब क्योंकि फीलिंग ऑफ, जैसे आपने कहा फीलिंग ऑफ रिलेशनशिप रहना चाहिए, क्योंकि कई बार हमें एक्शन भी लेना पड़ता है स्टूडेंट्स के ऊपर, अगर कुछ ऐसा हो गया तो उसको हम इमरजेंसी एक्शन मानते हैं, पर मैं देखता हूँ कि मेरी फीलिंग क्या है उनके प्रति। तो फीलिंग ऑफ रिलेशनशिप ही रहना चाहिए, चाहे जो भी जो सिस्टम है उसमें एक्शन तो आएगा, जो है सिस्टम है, तो वो एक बड़ा शिफ्ट हुआ है कि फीलिंग ऑफ रिलेशनशिप है चाहे जो सिस्टम में उनके साथ हो रहा है। बट जैसे क्लास में भी अब मैं जा रहा हूँ, आई एम टीचिंग अराउंड 4 सेक्शंस, तो वहाँ भी काफ़ी स्टूडेंट्स इसको ये सोच पा रहे हैं कि सर ये क्या प्रैक्टिकल पॉसिबल है। तो जैसे मैं, आप कहते हैं कि मैं फिर उनको कहता हूँ कि को एक्सप्लोरर्स, तो मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ तो आई कीप ऑन शेयरिंग विद देम कि मेरी जर्नी कहाँ तक पहुँच रही है, क्या चल रही है, तो वो उसको काफ़ी रिलेट कर पाते हैं और अप्रिशिएट भी कर पाते हैं, मैं देख पाता हूँ। हालांकि उनका भी कॉम्पिटेंस, अभी वो ये सोच रहे हैं कि भाई ये क्या प्रैक्टिकली है हैप्पीनेस इन कॉन्टीन्यूटी। तो मैं कह रहा हूँ यस, आप एक प्रपोजल है तो वो देख पा रहे हैं इसको। तो इस तरह से मतलब जर्नी इज़ वेरी ब्यूटीफुल। मतलब शरीर मैं देख रहा हूँ कि मैं 6 महीने में मैंने अपने शरीर की जिम्मेदारी ली है डेली रूटीन और इनटेक से ही, तो मैंने इन 6 महीनों में सर 8 kg वेट रिड्यूस किया है। तो मतलब अपना बॉडी के साथ पूरा जिम्मेदारी के साथ रिलेशनशिप के साथ पॉजिटिवली, तो मतलब मैं देख पा रहा हूँ कि यस, कि इसमें कोई अगर स्वाद नहीं मिल रहा है तो मेरे ऑपोजिशन का फीलिंग तो नहीं आ रहा है, या आई कैन सस्टेन। ये काफ़ी टेस्टिंग चल रहा है, जैसे आज भी पीछे नवरात्रे थे तो मैं एक व्रत भी नहीं रख पाता था, कोई टाइम था, माय वाइफ मुझे करवाती थी कि जोड़ी रखनी है, तो 7 मैंने नवरात्रे के व्रत रखे। वो सिर्फ इसलिए कि ट्रांजिशन होता है तो अच्छा है, जैसे शर्मिला दीदी ने बताया,
तो मुझे बिल्कुल फीलिंग नहीं आया कि मैं क्या खा रहा हूँ, कैसे नहीं खा रहा हूँ। नर्चरिंग के लिए था, तो आज जैसे करवा चौथ है, इतने 18 साल हो गए हैं शादी को, तो कभी मैंने ये नहीं सोचा ये रिलेशनशिप है करवा चौथ। तो आज करवा चौथ का व्रत भी मैंने मतलब ये नहीं सोच के करवा चौथ है, बट जस्ट लेट मी टेस्ट माई सेल्फ कि कितना मुझे वो है कि कितना संयम आ पाएगा। या जैसे आप कहते हैं कि मैं बॉडी को अगर इंस्ट्रक्शन दूं कि आज नहीं खाना है तो उसमें मैं कितना खड़ा उतरूंगा। तो मेरी वाइफ बार बार, अभी भी हम वी वर शेयरिंग इन द मॉर्निंग, तो वो कह रही थी नहीं आप दूध जरूर पी लेना, आप पानी पीते रहना। तो इस तरह की डेवलपमेंट सर हो रही है, तो बस मैं यही शेयर करना चाहता था। पर अभी जर्नी है, बट इट्स अ ब्यूटीफुल जर्नी सर। थैंकफुल टू ऑल UHV टीम एंड थैंकफुल ऑल हु आर वर्किंग फॉर माई डेवलपमेंट। सो ग्रेटिट्यूड है सबके लिए, बट इट्स अ जर्नी गोइंग ऑन, तो अभी काफ़ी दूर जाना है। तो थैंक यू टू ऑल सर, बस इतना ही फिलहाल तो जो मेरे मन में आया सर। अभी जो कठिनाई है वो यह है कि हम अपने को सुखी करने के लिए सब कुछ करते हैं और अपने बारे कुछ पता नहीं है, तो हमारा ध्यान सारा बाहर है, बाहर की चीजों को ठीक करने में लगे हैं। और किस लिए लगे हैं? ताकि हम सुखी हो जाएं। लेकिन उसमें मजे की बात यह है कि हमको अपने बारे कुछ पता नहीं है, अपने बारे हम कोई ध्यान नहीं देते हैं। तो इस एक महीने के एक्सरसाइज में ये तो अपने को दिखने लगा होगा कि असली मुद्दा तो हम खुद ही हैं और हम अपने पर ध्यान नहीं दे रहे। तो अपने पर ध्यान देना जरूरी है, पर अपने पर ध्यान देना का मतलब क्या होगा उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो एक तो महत्वपूर्ण बात यह है, और जैसा मैंने कहा अंग्रेजी के सेशन में कि जैसे जड़ संसार के अपने नियम है जिसको हम लोग विज्ञान में पढ़ते हैं, वैसे ही चैतन्य संसार का भी अपना नियम है। तो जब हम चैतन्य पर ध्यान देते हैं, मैं पर ध्यान देते हैं, स्वयं पर ध्यान देते हैं, तो चैतन्य संसार का जो नियम है उसको भी हम समझना शुरू करते हैं और उसको हम अपने अधिकार पर अपने डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से समझ पाते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो ये सात स्टेप्स को एक एक स्टेप में हम लोग एक या एक से अधिक चैतन्य के नियमों को समझ रहे हैं, right. ना? तो जैसे पहला स्टेप देखेंगे तो पहले स्टेप में हम इस नियम को समझ रहे हैं कि हमारे में देखने की ध्यान देने की क्षमता है ही। तो जब भी हम ध्यान देने का निर्णय लेंगे तो हम ध्यान दे सकते हैं, ध्यान देंगे तो देख सकते हैं, देखते हैं तो समझ सकते हैं। अब ये एक नियम है चैतन्य का जिसका हमको पता नहीं था। अभी ध्यान दिए तो महीने भर में ये समझ में आने लगा कि मैं ध्यान दे सकता हूँ, निर्णय पूर्वक ध्यान देकर देख सकता हूँ, देख कर समझ सकता हूँ। तो एक सुंदर नियम अपने को समझ में आ गया जड़ के चैतन्य के बारे में। अभी तक जड़ के नियम को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है? बिल्कुल ठीक सर। सर बस अपने पे ही काम करना है, ये तो समझ में आ गया। हम तो बाहर कंप्लेंट्स बहुत कम हो गई हैं सर, तो वही जो आपने सुबह बात की थी जी। नहीं तो अपने दुख के लिए तो बस दूसरों को ही समझते थे, तो अब समझ में आ रहा है कि बस अपने पे ही काम करना है दिन रात। ब्यूटीफुल जर्नी सर, थैंक यू सो मच। इसी तरह से जब हम अपने को देखने लग जाते हैं तो फिर हम लौट के शरीर को भी देख पाते हैं ठीक से। बिल्कुल ठीक सर। और इस बात को देख पाते हैं कि शरीर को भी मैं निर्णय पूर्वक ही चला रहा था, है ना? तो शरीर तो अपने आप में एक व्यवस्था है ही, लेकिन हमारी भी जिम्मेदारी है इसके साथ, जो हमारी परस्परता है उसके तहत हमारी जिम्मेदारी है। हम उस जिम्मेदारी को बहुत समय निर्वाह नहीं करते हैं, तो शरीर तो उसके कारण ज्यादा कठिनाई में रहता है। अब हमको अपना नियम समझ में आ जाए, फिर शरीर के साथ जो हमारा आदान प्रदान होता है उसका नियम समझ में आ जाए, जिसको हम लोग एक्सरसाइज 2 में करने वाले हैं, तो हम शरीर के साथ भी ठीक से निर्वाह कर सकते हैं जो आपने बताया, राइट? धीरे धीरे अनफोल्ड होंगे, है ना? तो बढ़िया बात है, आप उसको देख पाए सीधा सीधा। हाँ जी सर। सर वही है कि होलिस्टिक डेवलपमेंट ही होगा, मुझे लगता है कि भी अगर राइट अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा तो फिर शरीर भी सबके प्रति आपका रिलेशनशिप, मतलब वही आप जो कहते हैं कि होलिस्टिक समझदारी, तो फिर सब तरफ ही आ जाएगी ना, रिलेशनशिप में भी, फिजिकल फैसिलिटीज में भी, बॉडी में भी,
बिल्कुल एक तरफ का विकास, अपने लेवल पर काम शुरू कर देंगे ना तो हाँ फिर एक जगह पे पहुंच ही जाएंगे। हाँ जी सर काम नहीं करते हैं तो जिस चीज पे ध्यान दे रहे हैं वहीं पर हम उलझ जाते हैं, क्योंकि अपने पर ध्यान है नहीं तो प्रॉब्लम क्या नहीं आता और उपाय क्या वो भी नहीं समझ में आता। बिल्कुल सर, लोग पीपल आर फ्रस्ट्रेटेड, मैं जब देखता हूँ दो लोगों को वर्क प्लेस पे भी, वो कहते हैं शाउट कर रहे हैं पर इलाज को कोई समझ में नहीं आ रहा, कोई इसका रिजल्ट नहीं आ रहा। तमाम शाउट करते हैं चाहे अपने एम्प्लॉइज पे या अपने स्टूडेंट्स पे, दे आर नॉट इम्प्रूविंग, शाउट करते हैं और शिकायत करते रहते हैं बस। हाँ सर यही चल रहा है, सब तरफ यही है सर। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। जी भैया प्रणाम, हीरा जी बोल रहे हैं। जी भैया प्रणाम भैया, एक मिनट में इनको मैं सुंजय जी का एक ऑब्जर्वेशन है उसको मैं पढ़ देता हूँ। तो सुंजय जी ये कह रहे हैं कि जब हम अपने में कोई कमी देखते हैं तो उसको ठीक करने का निर्णय करते हैं, इसको विरोध के रूप में क्यों देखा जाए? तो बिल्कुल ठीक बात है। अभी क्या है कि हमारा अभ्यास ही हो गया विरोध करने का, इसलिए हम हर चीज में विरोध करते हैं। अभी ये दिखेगा कि क्या कमी है तो ये भी दिखता है कि हमारी स्वीकृति है कि हम सही हो, सही करें, ये भी साथ साथ दिखेगा तो हमारे विरोध का भाव नहीं आएगा। अभी हम विरोध का भाव इसलिए ले आते हैं क्योंकि वो अभ्यासवश चल रहा है। तो ये बात इम्पोर्टेंट है कि हम अपनी गलती को देख पा रहे हैं, हम उसको दूर करना चाह रहे हैं, तो इसमें अपने प्रति विरोध का भाव लाने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि इसके साथ अपने में जिम्मेदारी का भाव आएगा कि भाई यही हमारे लिए सहज है कि हम अपने में सही को सुनिश्चित कर सके। जब तक उसको नहीं कर पाए कम से कम गलती को देख सके, उसका मूल्यांकन कर सके, उसको ठीक करने का उपाय ढूंढ सके। तो उपाय ढूंढने की बात है, विरोध पैदा करने की बात नहीं है। जी हाँ, आप बताइए। जी भैया, तो अभी परसों जो है मेरे ब्रदर इन लॉ को जो है वो घटना हुआ उनके साथ, उनको शूट कर दिया गया और उनका देहांत हो गया। अरे तो देवघर में भैया, तो इस अर्थ में जब देख रहे हैं तो वहां पे जब जाना हुआ स्पॉट पे, फिर वहां से जब उनके जो अंतिम संस्कार तक के यात्रा में रहे हम हॉस्पिटल से लेके, तो वहां पे जो भाव देखने का हमने प्रयास किया स्वयं का भी और वातावरण में जितने भी लोग थे उनका भी, तो हमारा जो भाव है वो काफी विरोध का था और रिवेंज का था और दुख भरा हुआ था कि खोने का, क्योंकि वो यंग थे काफी, 36-37 ईयर्स थे, उनका बच्चा जो है वो एक 3 महीने की बच्ची है और 8-9 महीने का एक बच्चा है, लड़का है। तो इस अर्थ में भैया, और फिर मेरी वाइफ से भी जब बात हुई उसके बाद, तो यहाँ तो पूरा विरोध का भाव उत्पन्न हुआ और सब रिवेंज में थे, ऐसा कह रहे थे कि यदि पता भी चल जाए तो पुलिस से पहले हम लोग जो है उसको देख लेंगे। तो इस अर्थ में ये हम सोच रहे थे कि इसको कैसे देखा जाए भैया, यहाँ विरोध का भाव जो आ रहा है, फिर एक खोने का भाव और यह नियति सहज नहीं है, इसको कैसे देखा जाए भैया? तो इसमें एक द्वंद अपने में चलने लगा कि स्थिरता तो भाव का कैसे यहाँ पे देखा जाए। जी भैया इतना है। देखिए अभी तो ऐसा ही चल रहा है कि अगला व्यक्ति उसके अंदर कभी विरोध का भाव आया होगा और वो धीरे धीरे बहुत इंटेंसिफाई हो गया और उन्होंने मर्डर कर दिया, है कि नहीं? जी भाई। अब उन्होंने मर्डर कर दिया, अभी आपके अंदर विरोध का भाव आ गया, अब आप इसको इंटेंसिफाई करेंगे धीरे धीरे और किसी समय उसका मर्डर कर देंगे। तो ये प्रोसेस चल रहा है और इस प्रोसेस में जो है हम बहुत दुखी रहते हैं, दूसरे को दुखी करते रहते हैं और इसमें उपाय अभी तक निकला नहीं है कुछ इससे।
कि नहीं? तो पहले तो ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि इससे कोई निकल नहीं रहा है उपाय, ना हमारे लिए ना दूसरे के। बुंदेलखंड में ऐसा मानते हैं, बिहार में मानते हैं कि नहीं पता नहीं, लेकिन बुंदेलखंड में ऐसा मानते हैं कि अगर एक पीढ़ी में किसी की लड़ाई हो गई किसी से और ये मर्डर हो गया, जो सामान्य बात है वहां पर, तो उसको हम 7 पीढ़ी तक चलाते हैं, और 7 पीढ़ी में किसी ना किसी का हो जाता है मर्डर फिर से, तो वो चलता ही रहता है इसी तरह से, है ना। तो अपने आय का बहुत बड़ा भाग वो बंदूक खरीदने में, गोलियां खरीदने में लगाते हैं, और पूरे समय असुरक्षित जो है वो रहते हैं और दूसरे को असुरक्षित करते रहते हैं। तो ये एक जीने का तरीका हमने बनाया है, ठीक है कि नहीं, इसका जांच परख होना जरूरी है, और इसके अलावा क्या तरीका हो सकता है उसको भी देखना जरूरी है, तो उसको हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो एक व्यक्ति में द्वेष का भाव, विरोध का भाव पैदा हुआ और वो यहाँ तक पहुंच गया मर्डर का, अब हम भी उसको ही पैदा करते हैं और हम भी उसको वहां ले जाते हैं धीरे धीरे, ठीक है ना। तो ये चल रहा है और इस प्रक्रिया में हम भी दुखी रहते हैं, दूसरे को भी दुखी करते हैं, तो इसको चलाना है कि नहीं चलाना है ये तय करने की बात है। मतलब जिसने मर्डर किया आपको क्या लगता है उसके अंदर का भाव स्नेह कर रहा होगा कि विरोध कर रहा होगा? भैया विरोध का तो ही रहा होगा, तभी तो यहाँ तक पहुंचा। बिल्कुल, और विरोध के भाव से वो सुखी होगा कि दुखी होगा अपने में? दुखी होगा भैया, दुखी होगा। तो उसने इतना दुख कमाया और फिर उसको इस रूप में व्यक्त किया वो, है ना, फिर आप भी उसी को कमाएंगे, फिर आप भी व्यक्त करेंगे, फिर ये चलता रहेगा। और हम इस काम को शायद 20 साल 25 साल बाद अंजाम देंगे, लेकिन ये 20-25 साल हम दुखी रहेंगे। तो बाहर अंजाम देना हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन अंदर दुखी होना तो पक्का है। हम लोगों ने बिलासपुर के जेल में 2 साल प्रयोग किया कैदियों के साथ, और ज्यादातर जो प्रारंभिक में जिनसे शुरू किया था वो 3 से 5 मर्डर किए हुए कैदी थे। उनसे पहले पूछा कि क्या सोचते हो आप दिन भर जेल में, और को तो कुछ काम रहता नहीं, तो दिन भर क्या विचार चलता है? तो ज्यादातर लोगों ने ये कहा कि हमारे में विचार ये चलता है कि यहाँ से बाहर निकलेंगे तो उनसे बदला कैसे लेंगे जिनके कारण हम जेल में फंस गए। 6 महीने बाद उनके साथ फिर ये प्रश्न पूछा हम लोगों ने, उसमें से ज्यादातर लोगों ने ये रिस्पॉन्ड किया कि अब हम ये सोचते हैं कि हम तो इस विरोध के भाव से और दुख से निकल गए, अभी बाहर जाकर इनको कैसे हम अप्रोच करेंगे, कैसे उन तक ये बात पहुंचाएंगे। तो अभी तो हम सब फंस गए हैं और फंसा रहे हैं लोगों को, तो अगर एक बार हमको बात समझ में आ जाए तो हम निकलने का कुछ उपाय सोचेंगे। जी भैया, लेकिन जो ये तो मान लीजिए कि हम इसको अभी जो संबंध को देखने की जो बात है वो अभी इस रूप में खूनी संबंध को देखते हैं, क्योंकि अभी अस्तित्वमूलक संबंध को देख नहीं पा रहे हैं, तो इसलिए देख पा रहे हैं कि वो हमसे जो है उतने क्लोज रिलेशन में नहीं है, कजिन में है। तो लेकिन यदि वो हम ये सवाल था कि यदि वो मेरे अपने होते, जो अभी अपने और प्राय को हमने अभी जो परंपरा में बटा है कि मेरे ब्रदर ही होते या मेरे पिताजी होते, मेरे अपने भाई होते या मेरी पत्नी होती, तो ऐसा घटना होता तो हमको ये लगता है कि हम तो विरोध के भाव में ही आते। मान लीजिए अभी यदि हम समझ के आधार पे, तो ये विरोध का भाव में तो ही आना हो जाता मेरा अभी जो अभ्यास है, तो इसमें हम इस स्नेह के भाव को या प्रेम के भाव को कैसे उस रूप में प्रस्तुत कैसे हो पाते, इस आधार पर थोड़ा सा ध्यान दे दिलाया जाए। इसलिए हम लोग पूछ रहे हैं ना, हम लोग ये नहीं पूछ रहे हैं कि किसी एक के प्रति आपका स्नेह का भाव हो कि विरोध का भाव हो, हम लोग तो ये नहीं पूछ रहे हैं। हम तो पूछ रहे हैं कि आप में स्नेह का भाव सहज स्वीकार होता है कि विरोध का भाव सहज स्वीकार होता है, किसके प्रति वो बात ही नहीं कर रहे अभी तो हम लोग, कि नहीं? पहले दिन से जो पूछ रहे हैं कि आपको कौन सा भाव सहज स्वीकार होता है, संबंध का या विरोध का, इसमें हम किसी व्यक्ति विशेष के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, कर रहे हैं।
नहीं नहीं कर रहे हैं, अपने बारे बात कर रहे हैं। हमको सहज स्वीकार नहीं होता, इसलिए हमारे दुखकारी है ये विरोध का भाव। संबंध का भाव हमको सहज स्वीकार होता है, इसलिए ये दुखकारी है ना। किसके प्रति का मुद्दा नहीं है, हमारे में क्या भाव है वो मुद्दा है। और अगर एक बार दिख जाए कि संबंध का भाव ही सहज स्वीकार होता है और सुखद है, तो फिर हरेक के प्रति यही भाव करना बनता है। कि नहीं? जी भैया। तो देखिए इसको अभी पूरे को सोचना पड़ेगा, और फिर एक बार ये समझ में आता है तो हमारा जीना, पहले जिनके साथ परस्परता में जी रहे हैं आसपास, उनके साथ ठीक से जी लें। अभी तो देखिए पत्नी के साथ भी इतना ही गुस्सा आता है, बच्चों के साथ भी इतना ही गुस्सा आता है कि नहीं, विरोध पैदा होता रहता है। जिन लोगों ने शेयर किया उसको ही ठीक कर लें, घर में ही कौन सा ठीक चल रहा है। ये जो मर्डर करने वाला है वहां तक तो बहुत बाद में पहुंचते हैं, घर में क्या हालत है। कितनी बार पत्नी के ऊपर हमको क्रोध आता है, बच्चे के ऊपर क्रोध आता है, ठीक है नहीं? जी जी भैया। उसको ठीक करना शुरू करें, गांव में जिनके साथ रह रहे हैं उनके साथ ठीक करना शुरू करें। ये मर्डर वाले को फिर लाएंगे, थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट केस लगता है शुरू में। जी भैया। बच्चों पर गुस्सा आता है कि नहीं? जी भैया जी। तो विरोध का भाव रहता है कि स्नेह का भाव रहता है? विरोध का ही भाव रहता है। कई भाव रहता है। क्लास में भी बच्चों पे काफी गुस्सा आता है। वही कह रहा हूँ, तो वहां सेटल कर लें, मर्डर पे बाद में पहुंचेंगे। मीता जी आपका कोई प्रश्न है तो, या कोई शेयरिंग है तो? ठीक है, विनय चौधरी आपका कोई प्रश्न है तो बताइए, या कोई शेयरिंग है तो? हाँ जी, प्रश्न ये है, अभी अभी आपने जो इंग्लिश के सत्र में बोला था कि थॉट्स आर गाइडेड बाय द फीलिंग्स एंड फीलिंग्स आर नॉट गाइडेड बाय द थॉट्स, इसके ऊपर थोड़ा सा क्लैरिटी चाहिए था, क्योंकि कभी कभी ये लगता था कि थॉट्स के द्वारा ही फीलिंग्स आते हैं। ये मतलब ये समझ थी, एक उदाहरण के तौर पे जब हम अचानक से किसी फंक्शन में हमको अचानक नाम लेकर बोला जाता है कि आप कुछ कहिए, और उस समय आप प्रिपेयर नहीं है, तो उस समय जो फीलिंग आता है आपके अंदर में वो पहले आता है या थॉट्स की मैं कर पाऊंगा या नहीं, उसके बाद वो फीलिंग्स आते हैं, ये थोड़ा सा क्लियरिटी चाहिए था। जी देखिए, अभी तो हमारा ज्यादातर तो काम शुरू होता है एक्सपेक्टेशन से, थॉट तक भी जाना हमको बाद में होता है, ठीक है ना। एक्सपेक्टेशन क्या है कि बाहर चीजें ठीक हो जाएं, ठीक है, बाहर ठीक हो जाए ये एक्सपेक्टेशन है, उसी के लिए हम विचार करते रहते हैं। तो अभी चलता ऐसा है, सेंटर में एक्सपेक्टेशन है उसके लिए विचार है, फिर थोड़ा अपने पर काम करते हैं तो धीरे धीरे कुछ विचार के लेवल पर भी काम शुरू होता है, फिर हम क्या कर रहे हैं, विचार से शुरू करके अपने फीलिंग को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहले एक्सपेक्टेशन से हम विचार को कंट्रोल कर रहे थे, अभी विचार से फीलिंग को कंट्रोल करने का कोशिश करते हैं, ठीक है ना। लेकिन वो होता नहीं है बहुत आसानी से। जैसे आपका किसी के प्रति विरोध का भाव आ गया है और वो बना हुआ है, आप जब भी उसको देखते हैं तो आपके अंदर उल्टा पुल्टा विचार चलने लगता है, ठीक। फिर आप बहुत सारा तर्क लगाते हैं कि नहीं नहीं है ना, झगड़ा करने का कोई फायदा नहीं है,
है ना, इससे हमको भी हानि होगी, उसको भी हानि होगी, है ना, तो हम विरोध नहीं करते, विरोध की नहीं सोचते हैं, इस पर बड़ा तर्क लगाते हैं। लेकिन वो तर्क लगाते लगाते कब आपको गुस्सा आ गया पता नहीं चलता, है ना, और आप कुछ कर बैठते हैं, कुछ कह देते हैं उसको। तो आप अभी देखेंगे तो पता लग जाएगा कि विचार में बहुत सारा कोशिश किए उस भाव, जो विरोध का भाव था उसको नियंत्रित करने का, वो हुआ नहीं, वो विरोध का भाव टेक ओवर कर लेता है और कोई एक इंसिडेंस को लेकर, कोई एक बात को लेकर आपके अंदर क्रोध आने लगता है। ऐसा होता है कि नहीं? आप कहते इतना तक ठीक था, अब इसके बाद ये ज्यादा हो गया, इसको कैसे टॉलरेट कर सकते हैं? ये जो यहां तक ठीक था और अभी ज्यादा हो गया, कल निर्णय कैसे हो रहा है? क्योंकि उसके बेस में विरोध का भाव बना हुआ है। तो आप बड़ा विचार करके सजाए थे कि चलो इतना करेगा तो कोई बात, ठीक है ना, अगर हमको कुछ कहना है तो हमको व्यक्तिगत रूप से कह दे। पहले तो कहते कहे नहीं, वो कौन होता है कहने वाला, फिर धीरे धीरे आप बड़ा तर्क करके कहते अच्छा चलो कुछ कहना हो तो व्यक्तिगत रूप से कह दे। पब्लिक में कह दिया तब आप कहते आप बहुत हो गया। क्यों बहुत हो गया? क्योंकि फीलिंग तो अंदर विरोध का है ही, उसको आपने किसी तरह से जो है जस्टिफाई कर रखा है, रोक रखा है। वो जब बहुत स्ट्रांग है ना, लिए एक्टिव हो जाता है वो, तो आपका विचार जितना करके आप सजाए थे सब बह जाता है कि नहीं? जी सर जी, ये कह रहे हैं। और हम लोग कह रहे हैं कि अब क्या करें, विचार से तो ठीक होना नहीं है फीलिंग को, तो करें क्या? तो कहां से ठीक होगा, इस पर बात हो रही है। वो आप फीलिंग से और ऊपर जाकर देख पाए फीलिंग को भी, और तय कर पाए कि ये नेचुरल है कि अननेचुरल है, सुखद है कि दुखद है, है ना। तो आप पहले उसको प्रोएक्टिवली फिक्स कर देंगे, उस आदमी के संदर्भ में फिक्स करेंगे, ऐसा नहीं है, हर आदमी के संदर्भ में फिक्स कर लेंगे, हर आदमी के प्रति हमारा रिलेशनशिप का फीलिंग हो, ये हम सेटल कर लेंगे। तो फिर कोई आदमी विशेष का मुद्दा नहीं है, हर एक के साथ वही भाव, तो हम तो आराम में। अब सामने कोई व्यक्ति आता है तो उसके साथ उस भाव को है ना केंद्र में रखकर हम विचार करते हैं कि इसके साथ कैसे निर्वाह करना। उसको देख के भाव तय नहीं करते, उसके व्यवहार से भाव तय नहीं करते, हम अपने समझ से दृष्टा की जगह पर जो हमने देखा उससे अपने भाव को तय कर लिए, वो प्रोएक्टिवली तय है, उसमें वेरिएशन नहीं है। उसके साथ हम विचार कर रहे हैं, जब कोई दूसरा व्यक्ति सामने आता है तो हम कहते हैं ये भी एक व्यक्ति है, इसके प्रति हमारे में स्नेह का भाव है ही, रिलेशनशिप का भाव है, अफेक्शन का फीलिंग है ही, अब इसके साथ निर्वाह कैसे करता है? तो बाहर के इनपुट को लेकर हम तय नहीं करते अपने भाव, अपने समझ के आधार पर तय करते हैं, या अपने दृष्टा की जगह पर जो हमने देखा है कि क्या सहज है क्या असहज है उसके आधार पर तय करते हैं, उस भाव के आधार पर विचार करते हैं, ना कि विचार के आधार पर भाव करते हैं। सर इसमें एक बात अभी हम लोग कर रहे हैं इसलिए, क्योंकि हम ये मान रहे हैं कि कुछ हमको अभी दिखने लगा है, विचार भाव ये सब चीजें है ना, उसके कुछ नियम समझ में आने लगे हैं, तो उस नियम के आधार पर अब ये सब बातें हम लोग अभी कर रहे हैं। पहले नहीं कर सकते थे क्योंकि पता ही नहीं था कि कुछ विचार भी और चल रहा है और भाव भी चल रहा है और इसके बीच में कुछ संबंध भी है और कुछ दृष्टा शुद्ध दृष्टा के रूप में हम चीजों को देख भी सकते हैं बिना प्रतिक्रिया किए, ये सब का कुछ पता ही नहीं था। तो क्या बात करते हैं? अब इन सब के बारे थोड़ा पता लगा है तो कुछ बात शुरू किए। ठीक है कि नहीं? हाँ सर,
तो ये अपने कल्पनाशीलता को ही देखना है, और इसमें ये भी होता है क्या कि जब भाव आता है फिर उसके ऊपर हम विचार करते हैं, विचार अगर सही दिशा में नहीं होंगे तो वो भाव की जो तीव्रता है वो बढ़ने लगती है और फिर वो एक्शन में आने लगता है। नहीं मैं समझा नहीं, फिर से बताइए ना। जैसे कोई भाव अपने मन में आ गया, कोई डर का फीलिंग आ गया, तो उसके बाद उस डर के ऊपर विचार करने लग जाते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देना चाहूंगा कि कुछ साल पहले जब पहली बार बड़ी बेटी की शादी की बात चली थी तो काफी सारे मेहमान आए थे परिवार के मीटिंग में, ये बात चली कि आप करना चाहिए वगैरह, तो इसमें फिर वो उस समय तो मुझे कुछ ज्यादा महसूस नहीं हुआ, लेकिन बाद में जब अकेले में मैं उसके बारे में सोचने लगा कि कैसे करना है, अभी तैयारी क्या होगी, अभी अपने पास जो तैयारी है वो होगी या नहीं, इससे फिर धीरे धीरे वो डर बढ़ने लगा कि नहीं है या होगा कि नहीं, ये विचारों के साथ वो डर भी बढ़ने लगा। और जैसे जैसे विचार करता तो करीब करीब जब तक वो एक प्रोसेस में नहीं आया तब तक वो डर बना रहा मेरे अंदर। देखिए अभी क्या हुआ, ये जो एक्सपेक्टेशन है उसके बेसिस पर विचार चल रहा है, जो विचार है उसके बेसिस पर भाव बन रहा है, बिगड़ रहा है, ये प्रोसेस चल रहा है, तो इसमें तो ये होगा ही जो हो रहा है, इसमें भाव निश्चित कहाँ हुआ। जो 6A और 6B में जो हम लोग बात कर रहे हैं, 7A और 7B में बात कर रहे हैं, उसमें भाव को समझ के आधार पर या शुद्ध दृष्टा के रूप में देख लिया हमने कि कौन सा भाव सहज है असहज है, उसके आधार पर तय कर रहे हैं, तब तो वो निश्चित होगा। वहां से निश्चित करके अब हम विचार करेंगे उस भाव के अर्थ में, न कि विचार के अर्थ में भाव करेंगे। फिर जो भाव निश्चित हुआ उसके अर्थ में विचार कर रहे हैं, उसके अर्थ में आशा करेंगे, न कि आशा के आधार पर विचार और विचार के आधार पर अपना भाव बनाएंगे। अभी उल्टा हो रहा है ना, तो वो तो होगा ही। जितना जितना आप इस बात की संभावना को देखेंगे कि दूसरा का आचरण अनिश्चित हो सकता है, दूसरे का व्यवहार अनिश्चित हो सकता है, दूसरे की डिमांड अनिश्चित हो सकती है, उतना उतना आपका जो एक्सपेक्टेशन था बाहर से वो उथल पुथल होगा, उसमें उतना उतना आपके विचार में उथल पुथल होगा, उतना उतना आपका भाव में उथल पुथल होगा कि नहीं। जी जी सर, तो ये तो होने ही वाला है, क्योंकि आप का जो एंकर है ना, क्या कहते हैं, लंगर, वो लंगर आपका अंदर तो है नहीं, बाहर है, या कहिए कि एंकर कुछ है ही नहीं, हवा में चल रहा है अपना आपका नाव, तो जिधर की हवा आएगी उधर बहेगा। ये जो सहज स्वीकार्यता को देख लेना है शुद्ध दृष्टा के लेवल पर, या संबंध व्यवस्था और सहस्तित्व को समझ लेना है और उसके आधार पर अपने भाव को निश्चित कर लेना है, ये एंकर डालने का काम है। लंगर डाल दिया आपने, अब बाहर कितना भी तूफान आता रहे प्रॉब्लम नहीं है, अभी तो आपका कोई लंगर वंगर है नहीं, तो जैसे हवा वैसा आपका नाव चलने लगता है, बहने लगता है उस तरफ। ठीक है जी सर, जी जी थैंक यू सर। इंटरेस्टिंग है, देखिए चीजों को जब आप सेल्फ के लेवल पर देखने लगेंगे, सेल्फ को सेंटर में रखकर देखने लगेंगे, तो बहुत सारा ये नियम समझ में आएगा ना, जो कल हम लोग कह रहे थे ना कि जड़ का नियम और चैतन्य का नियम। अभी तक जड़ के नियम को ही हम पढ़े हैं विज्ञान में, अब विज्ञान को थोड़ा अपने को बड़ा करना चाहिए है ना, और उसमें चैतन्य के नियम को भी इंक्लूड कर लेना चाहिए। जी सर, लेकिन सर हैं
पिछले 8-9 महीने में 10 महीने में करीब करीब काफी चेंजेस आ गए हैं, मतलब जीने का तरीका ही चेंज हो गया है। रास्ते पे गाड़ी चलाते समय भी पहले ऐसा होता था कि कोई अगर अपने सामने स्लो गाड़ी चला रहे हैं या साइड नहीं दे रहे हैं तो बड़ा इरिटेट होता था, लेकिन अभी सीधे उसके कॉम्पिटेंस पे ध्यान जाता है और हम लोग बिल्कुल हार्मोनी बनाए रख सकते हैं। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम के लिए। नहीं नहीं, हमको धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है, आप लोग पहले तय कर चुके हैं धन्यवाद के बारे में। पहले धन्यवाद देना है कि अस्तित्व अपने आप में इतनी बड़ी व्यवस्था है ही। दूसरा उन लोगों को धन्यवाद देना है जिन्होंने इस व्यवस्था को समझा और किया, है ना, जिससे हम लोगों ने समझा सीखा, है ना जी सर, एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं। फिर तीसरा इस पूरी टीम को देना है जिसमें आप भी शामिल है, है ना, जो इसको समझने का जीने का प्रयास कर रही है, लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है। तो इतने लोगों को धन्यवाद देना है हम लोग को। धन्यवाद तो सभी को ऐसा। बिल्कुल सही बात, अस्तित्व के हर यूनिट के लिए धन्यवाद। बिल्कुल, तो भाई नियति में जो व्यवस्था है ही तभी तो अपन समझ पा रहे हैं, जी पा रहे हैं। वो व्यवस्था नहीं होती, केओस होता तो क्या करते, तो वहीं से शुरू करना पड़ेगा। तो ये अच्छी बात है कि अगर विज्ञान में चैतन्य के नियम को समझने का भाग शामिल हो जाए, चैतन्य के नियम को समझ लिया जाए, तो आज की ज्यादातर समस्याएं सॉल्व हो जाएंगे। अभी जो मैं इंग्लिश के सेशन में कह रहा था कि अभी समस्याओं को देखें तो समस्या जो है वो जड़ के लेवल पर ज्यादा है कि चैतन्य के लेवल पर ज्यादा है, जड़ के लेवल। हाँ, अभी देखेंगे तो चैतन्य के लेवल पर ज्यादा है ये। हाँ, इतना सारा युद्ध हो रहा है और युद्ध की तैयारी हो रही है और उसमें 50% फिजिकल रिसोर्स लगाया जा रहा है, ठीक है ना, ठीक है। हाँ सर, हाँ सर। ये जो जड़ चैतन्य के जड़ के लेवल पर इतना जो 50% रिसोर्स खर्च हो रहा है, इसका कारण प्रॉब्लम जो है सेल्फ के लेवल पर है कि जड़ के लेवल पर है? ये लड़ना कौन चाह रहा है, शरीर या मैं? हाँ जी सर, मैं टेलीफोन, है ना, ये कॉन्शियसनेस का ही प्रॉब्लम है ना। मैं सुखी होना चाहता हूँ, सुखी होने के लिए ये सब कर रहा हूँ जी सर, जी जी। और हमको लगता है कि लड़ाई करके सुखी हो जाएंगे जी। अमेरिका सोचता है कि जो है दूसरे देश के ऊपर हम शासन कर ले जी सर, तो उनका साधन ले आएंगे अपने पास और उस साधन से सुखी हो जाएंगे। सही है सर, तो ये कॉन्शियसनेस की प्रॉब्लम है ना जी जी जी। उसमें हम 50% अपना रिसोर्स वेस्ट कर रहे हैं। तो अगर कॉन्शियसनेस की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो फिर संसार के ज्यादातर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। यस सर, जी। तो अच्छा होगा कि विज्ञान जो है कॉन्शियसनेस के नियम को भी समझने को शामिल कर ले अपने पढ़ाई लिखाई में, अपने शोध में, है ना, ठीक रहेगा कि नहीं? हाँ सर, बिल्कुल ठीक जी, बढ़िया, ठीक। कुछ और प्रश्न है उनको या चर्चा होगी उसको ले लेता हूँ मैं। मीता जी को अगर मेरी आवाज सुनाई पड़ रही हो और उनको कुछ शेयर करना हो तो कर सकते हैं। रविंद्र साहेब राव हैं, उनको सुन सकते हैं। भैया आवाज आ रही है मेरी? जी नमस्ते सभी को, एक शेयरिंग था मेरा जी, बताइए क्या कर सकते हैं? हाँ बताइए। तो एक इंसिडेंट हुआ मेरे साथ में, मैं मेरे वाइफ के साथ एसबीआई बैंक में गया था, मेरी होम लोन की अपॉइंटमेंट थी डिसबर्समेंट के लिए, तो जो मेरी 4 बजे की अपॉइंटमेंट थी, मैं 3:55 को वहाँ पे गया। 5 मिनट पहले जाने के बाद मैंने जब वहाँ पे देखा तो जिन्होंने मुझे अपॉइंटमेंट दी थी वो वहाँ पे नहीं थे, तो तब ये सब विचार चल रहा था मेरे में, और मेरी वाइफ भी मेरे साथ में थी, मेरा 2 महीने का बच्चा घर पे था जो कि उसको छोड़ के आए थे हम,
और जब वहाँ पे गए वो नहीं थे, तो हमने वहाँ पे उनको फोन किया मैंने कि सर मैं यहाँ पे आ गया हूँ, आप कहाँ पे हो? तो वो उन्होंने कहा कि आप बैठिए मैं आता हूँ। तो उन्हें आने में तकरीबन एक आधा घंटा चला गया, 4:30 बज गए। और 4:30 बजे जब मैंने उनको फिर से फोन किया कि सर आप कहाँ पे हो, मेरा 2 महीने का बच्चा घर पे है और मेरी वाइफ बहुत अनकंफर्टेबल हो रही थी, पर मेरे में एक विचार चल रहा था कि मेरा जो है मेरे वाइफ के प्रति, मेरे बच्चे के प्रति एक अफेक्शन है, और ये सामने वाला जो आदमी है उसके साथ और सभी के साथ मेरा एक लव रिलेशनशिप है। तो उस भाव को लेके उस समय मैं एकदम यानी रिलैक्स था। पर अगर यूएचवी के पहले या ये सेशन अगर अटेंड नहीं करता था तो मैं तुरंत रिएक्ट कर देता था कि आपको समझता नहीं सर, आपने तो मुझे 4 बजे का अपॉइंटमेंट दिया था, अभी 4:30 बजे है फिर भी आप आए नहीं हो। मैं एकदम शांत था, बहुत ही शांत था। और फिर मेरी वाइफ मुझे कहने लगी कि आप क्यों ऐसा कर रहे हो, आप उनको फोन क्यों नहीं कर रहे हो, अपना 2 महीने का बच्चा घर पे है और आप क्यों उनको बात नहीं कर रहे हो। मैंने कहा ठीक है मैं उनसे बात करता हूँ। फिर मैंने उनको फोन किया एक तकरीबन 4:45 को, तो उन्होंने कहा कि सर आपका जो फाइल है वो मिल नहीं रहा, क्योंकि आपका जो फाइल है एक देश से दूसरे देश, दूसरे देश के तीसरे देश ऐसा चला गया है और कहाँ पे तो भी मिसप्लेस हुआ है। तो मैं शांत हो गया, मैंने रिएक्ट नहीं किया। फिर वाइफ ने मुझे क्वेश्चन पूछा कि इन्हें समझता नहीं है कि इन्होंने हमें अपॉइंटमेंट दी है तो पहले ही फाइल ढूंढ के रखना है। तो मैंने उनको कहा कि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई अपॉइंटमेंट लेता है पर आता नहीं है टाइम पे, इसलिए उन्होंने ढूंढ के नहीं रखा होगा। फिर भी मैं शांत था और तकरीबन 5 बज गए, फिर भी मेरा फाइल नहीं आया था और वाइफ बहुत अनईजी हो रही थी। वो पूरे यानी ऑफिस में यहाँ से वहाँ चक्कर मार रहे थे। वो उनके जो साथी मैडम थी वो सर के साथ, वो वहाँ पे आई, उन्होंने कहा कि मैडम सच में आपकी फाइल नहीं मिल रही है, प्लीज हमें थोड़ा टाइम दीजिए। और फिर मैंने, मेरी वाइफ कह रही थी कि नहीं आप वो सर को फोन कीजिए, आपको समझता नहीं कि हमारा 2 महीने का बच्चा घर पे और हम यहाँ पे बैठे है। तो मैंने कहा एक बात, एक काम करता हूँ, मैं फिर से उनसे बात करता हूँ। और मैंने उनको फिर से कॉल किया कि सर क्या हुआ है, कितना वक्त लगने वाला है? तो उन्होंने कहा कि सर आपका एक्चुअली फाइल नहीं मिल रहा है, तो अगर आपको कुछ जल्दी होगी या आपको कुछ परेशानी होगी तो आप एक काम कीजिए, आप चले जाइए, जैसे फाइल मिलता है उसके बाद हम फिर से अपॉइंटमेंट लेके फिर से मिलेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने वाइफ से कहा कि उन्होंने ऐसा कहा। तो वाइफ ने कहा कि आज तो हम टाइम निकल के आया है, बाद में कैसे मिलेगा? तो नहीं नहीं अभी आया तो अभी काम होना चाहिए। तो मैंने बोला ठीक है मैं फिर से उनसे बात करता हूँ। तो पूरा दुविधा में था और 5:30 हो गए, 6 हो गए, मेरी फाइल नहीं मिली। और फिर लास्ट में 6:15 बजे मेरी एक फाइल मिल गई। वो मैडम एक फाइल लेके आई, डेस्क पे रखी और मुझसे कहा कि सर आपकी और एक फाइल है जो नहीं मिल रही है। तो मेरी वाइफ तो बहुत फिर झल्ला उठी, उसने कहा कि इनको समझता नहीं है कि हमने सब सिचुएशन बोला है। तो मैंने उनसे कहा कि नहीं, उनका वो जो कह रहे हैं वो मेरे मन में चल रहा था, कॉम्पिटेंसी का प्रॉब्लम है, पर मैं उसे नहीं बता पा रहा था। तो मैंने बोला नहीं हो सकता है, यानी कॉलेज में हम भी जब काम करते हैं तो ऐसे चीजें होती है, मिसप्लेस हो जाता है चीजें और हमें रुकना चाहिए। तो फिर उसने कहा कि नहीं नहीं अभी एक काम करती हूँ, मैं डायरेक्ट मैनेजर से बात करती हूँ। तो मैंने मेरे वाइफ से कहा कि नहीं रुको, आप थोड़ा देर और वेट करते हैं, अगर नहीं हुआ तो हम चले जाएंगे। फिर वो मैडम फिर से आई, तो मेरे वाइफ ने कहा कि मैडम एक काम कीजिए, अगर नहीं हो रहा है तो हम चले जाते हैं। और मेरी वाइफ तुरंत उठ गई और मुझे कहा कि चलो हम जाएंगे, अभी ये हम बाद में करेंगे। तो बाद में बाहर जाने के बाद वो मैडम ने कहा कि मैडम प्लीज आप एक 10 मिनट वेट कीजिए, अगर 10 मिनट में नहीं मिलती है तो आप चले जाइए, फिर आप बाद में फिर से अपॉइंटमेंट लीजिए। फिर 10 मिनट होने के लिए यानी ऑलमोस्ट 6:45 थे, हमारी अपॉइंटमेंट थी 4 बजे की, हमें 6:45 हुए थे और 6:45 को हमारे दोनों फाइल मिल गए थे। वो दोनों फाइल मिलने के बाद वो मैनेजर को आने के लिए और 10 मिनट लग गए,
और मेरी वाइफ उसका भी राइट था कि बच्चा घर पे है 2 महीने का, और वो अनइजी हो रही थी, तो तब मैं रिएक्ट ही नहीं हो पा रहा था क्योंकि ये सब विचार चल रहे थे। और अगर मैं UHV नहीं पढ़ता था तो वहां पे रिएक्ट हो जाता था। फिर 7 बजे हमारा पूरा जो था वो सब खत्म हो गया, और वहां से हम ऑफिस में गए जहाँ पे मेरा ये करना था, यानी हमारा जो आधार कार्ड होता है उसे वेरीफाई करना पड़ता है थंब इम्प्रेशन देने के बाद। तो मेरे वाइफ का तो हो गया वहां पे, फिर मेरा जो आधार कार्ड था वो जो फिंगरप्रिंट थे वो लॉक थे, मैंने वो लॉक करके रखे थे। तो उन्होंने कहा कि सर आपका आधार कार्ड अनलॉक नहीं हो रहा है, तो वो ये अपना आपने हमें करना पड़ेगा। और तब तो वाइफ तो बहुत यानी चिढ़ गई थी, वो अभी बोली नहीं मुझे कुछ भी नहीं करना है। और मैं भी ट्राई कर रहा था और वो हो नहीं रहा था, मेरे मोबाइल में बैटरी भी कुछ 5% ही थी। और ये सब सिचुएशन में अब मैंने तो पूरा खुद को संतुलित रखा था, पर लास्ट में कुछ ऐसा मोमेंट हुआ कि जहां पे मैं रिएक्ट हो गया, मैंने डायरेक्टली वाइफ को बोल दिया ठीक है एक काम करता हूँ मैडम, मैंने मैडम को बोल दिया मैडम एक काम करता हूँ मैं इनको घर पे छोड़ के आता हूँ और मैं फिर से आता हूँ। तो वाइफ को भी समझ में आ गया कि इनको अभी गुस्सा आ गया है मुझ पे। तो वहां से भैया मैं वाइफ को लेके बाहर निकला, और तुरंत मेरे समझ में आ गया कि मैंने जो वाइफ को दिया है वो रिएक्शन था। मैंने कहा उसने कहा कि आपने ऐसा क्यों बोल दिया कि मैं उनको छोड़ के आता हूँ। तो मैंने तुरंत मेरा मूड चेंज कर दिया, मैंने कहा अरे नहीं अपना 2 महीने का बच्चा घर पे है और हमारी जो सिचुएशन है, तो उससे मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अगर आपको छोड़ के आता हूँ और फिर से ये काम करता हूँ तो वो आसानी रहेगी, इसलिए मैंने वहां पे आपको उन मैडम के सामने ऐसा कह दिया। तो वो रिलैक्स हो गए। फिर जब हम घर पे आए तो बच्चा अच्छी तरह से सो गया था, उसको कुछ भी परेशानी नहीं होती, उसके दादी के साथ वो खेल रहा था अच्छे से और खेलते हुए सो गया था। तो ये सब सिचुएशन में भैया एक पॉइंट ऐसा आ गया कि जैसे आपने कहा कि मैं रिएक्शन नहीं देने चाह रहा था पर हो गई। और बहुत बार ऐसा होता है कि हमें तो रिएक्ट नहीं करना है पर सामने वाला हमें उकसाता है या हमसे कहता है कि आप रिएक्शन दो या आप क्यों नहीं ऐसा कर रहे हो। तो ये सिचुएशन तो मैंने हैंडल कर लिया, ये मुझे समझ में आ गया, पर बहुत बार ऐसा होगा कि सामने वाला हमें इतना फोर्स करेगा और हमारे से रिएक्शन निकल जाएगी, तो उस सिचुएशन में क्या करना है। तो ये क्वेश्चन था और ये मेरे शेयरिंग का। ऐसा नहीं कि वो उकसा रहा है, हमको लगता है कि वो उकसा रहा है, वो खुद ही परेशान है। राइट। जैसे आप अपनी पत्नी को देखें तो वो कि आपको उकसाना चाह रहे थे ऐसा नहीं है, तो परेशान थी ना। राइट, बहुत परेशान थी वो। हाँ, तो आपका अपना एक लेवल का टॉलरेंस है, वो पार हो गया, तो प्रॉब्लम आप क्या है उनका नहीं, वो तो प्रॉब्लम है ही पहले से। राइट। बट आपको गुस्सा आ रहा है का मतलब आपकी प्रॉब्लम है। राइट। है ना, जैसे आपकी वाइफ को तो बहुत पहले से गुस्सा आ रहा था उनका कॉम्पिटेंस कम था कहीं ज्यादा था, तो आप इतने दिन तक देर तक खींच ले गए। राइट। ना, उनका कॉम्पिटेंस कम था तो पहले उनका ब्रेकडाउन हो गया। राइट। तो ये सब धीरे धीरे अपने को पकड़ में आएगा। और भैया थैंक्स टू UHU और आपको कि ये सब चीजों के पहले मैं बहुत रिएक्ट करता था, यानी हर अगर ऐसी सिचुएशन अगर मेरे साथ इसके पहले होती थी तो 200% मैं बोलता हूँ मैं वहां से चला जाता था, मैं उनकी सुनता नहीं था क्योंकि मैं बोलता था कि आपने फिर मुझे अपॉइंटमेंट क्यों दिया और क्या, फिर आप मैनेजर को कंप्लेंट करते हैं। हाँ, तो मैं मैनेजर को कंप्लेंट करता था, मैं उनके मैंने यानी हायर अथॉरिटी को ईमेल लिखता था, उसके बाद उनके वेबसाइट पे जाके कमेंट करता था, यानी ये चीजें होती थी मेरे साथ, इतना सारा आवेश फैलाते। हाँ, होता था मेरे साथ में। क्या, तो थैंक्स टू UHU और आपको भी ये मॉर्निंग सेशन जो है स्वयं के द्वारा स्वयं में चर्चा, इससे बहुत सारी चीजें क्लियर हो रही है और ऐसा लग रहा है कि सच में जो कुछ भी चलता है वो अंदर चलता है, और अगर मैं अंदर खुद को ठीक कर लूं तो बाहर सब ठीक लगता है। बाहर ठीक लगता है या बाहर ठीक करना हो तो फिर हम कर भी पाएंगे अगर हम अंदर ठीक। हाँ,
कर भी पाएगी क्योंकि कैसा है, बाहर समस्या से उलझ जाते हैं जाकर, बाहर समस्या से उलझ जाते हैं, होता है भैया वैसा होता है। जी जी, तो आप जो कह रहे थे ना कि एक समय पर जाकर आपका जो है वो टूट गया है ना, टूट गया हो हुआ था, तो ये वो कैसे रोकना है? हाँ, उसका देखिए अभी काम अपने पे करेंगे ना तो धीरे धीरे होगा। तो मुझे ये उदाहरण बार बार याद आता है कि जो छोटा बच्चा जब चलना शुरू करता है ना तो क्या होता है कि थोड़ी देर वो खड़ा होता है पाँव में, है ना, कुछ कदम चलता है फिर गिर जाता है, है ना, फिर उठ जाता है, फिर चलता रहता है, फिर थोड़े दिन के बाद चलने लगता है। तो अभी तक हम सेल्फ के माध्यम से तो चलने रहे थे, और सेल्फ में भी जो है वो जो देखने वाला है शुद्ध दृष्टा है उसके भरोसे नहीं चल रहे थे, अब उसके भरोसे चलना शुरू किए है तो थोड़ा बहुत गिरना पड़ना होता रहेगा, उस दिन के बाद हमारे अभ्यास में आ जाएगा। तो फिर हम अपने सेल्फ को कैसे में रख कर चीजों को देखेंगे, सेल्फ में भी जो दृष्टा है ना, कार्यता है, उसको केंद्र में रखकर देखना शुरू करेंगे, है ना, फिर सारा हमारा जीने का जो केंद्र है वही बदल जाए, वहां जो केंद्र है वहां से सेल्फ पर आ जाएगा, सेल्फ में भी जो अपना सहज स्वीकारिता है ना, जो हमारा प्योर दृष्टा है, उस जगह से हम देखना शुरू करेंगे। तो उसके ऊपर उस जो अपने पांव चलने का मतलब ये होगा फिर, राइट, ठीक है कि नहीं? लेकिन शुरू में थोड़ा गिरते पड़ते रहेंगे, कोई बात नहीं, क्या है, राइट, गिरे ही रहते थे, राइट, कम से कम बीच बीच में तो उठ के खड़े हो रहे हैं, राइट, बढ़िया। और भैया लास्ट में एक शेयरिंग था, और ये सब होने के बाद जब मैं घर पे गया, वो मैडम को मैंने फोन किया, तो वो मैडम ने कहा कि सॉरी सर, एक फॉर्म रह गया है जिसके ऊपर आपकी और आपके मिसेज की साइन रह चुकी है। और मैंने कहा कि अभी फिर से आना पड़ेगा मुझे मिसेज को लेके, तो मैडम ने कहा कि तुरंत कह दे कि नहीं नहीं अभी आप मैडम को मत लीजिए, लेके आ जाइए, मैं आपके पास फॉर्म देती हूँ, आप मैडम की साइन करके फिर से वापस ऑफिस में सबमिट कर दीजिए वो फॉर्म। थैंक यू भाई, ये पूरा इंसिडेंट था, पूरा ये सैटरडे को हुआ था मेरे साथ में। वही तो देखिए, चीजें आराम से सॉल्व हो सकती है अगर अंदर ठीक हो तो, राइट राइट, अंदर ठीक नहीं हो तो बाहर इतना हम फैला देते हैं, राइट, कि वो फिर महीनों वर्षों चलता रहता है, राइट। तो अगर वहां पे मैं रिएक्ट करता था, मैं भी अनकंफर्टेबल होता था, वाइफ भी होती थी, वो मैडम भी होती थी, सर भी हो जाते थे, मैनेजर भी हो जाता था, हायर मैनेजमेंट भी हो जाता था, यानी सबको अनकंफर्टेबल में लाने का रीजन में बन जाता था फिर वहां, अगर मैं रिएक्ट करता था वहां से। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू भैया, थैंक्स टू यूएचयू और आपको भी धन्यवाद। हम लोग ये अगर चर्चा सुनता नहीं तो मैं वो वैसा करता नहीं था वहां पे। ठीक बात है, ठीक है, तो हम लोग तो इतने के साथ, कोई प्रश्न हो तो बताइए, कुछ और बातें हम लोग कल और मतलब सम अप करके रखेंगे, है ना। तो कल करेंगे उसको, लेकिन अभी कोई प्रश्न, अभी तक जितनी बात हुई उस पर कोई प्रश्न है तो कर लेते हैं। ठीक, देख लेता हूँ इन लोगों के हैंड्स रेज हैं। जी, बहुत सारे हैंड रेज हैं, एक खांडे जी का है, एक खांडे प्रसन्ना जी। हाँ सर, सुप्रभात सबको सर। वही जो एक्चुअली आपने जो अभी बात की उसके पहले दोनों का जो शेयरिंग था उसके रिलेटेड थोड़ा सा मेरा भी एक शेयरिंग था कि जैसे अभी जो एक के बेटे की शादी तय हो गई और उसके बाद में तो उनको जो टेंशन आते गया, तो सिमिलर केस से मैं अभी गुजर रहा हूँ। मेरे भी बेटे की शादी अभी तय हुई है और जैसे जैसे एक एक काम याद आते हैं तो उसको एग्जीक्यूट करते समय अपने को दिक्कत आएगी, ऐसा ही थोड़ा सा फीलिंग होता है। और वो कैसे होगा ऐसा एक फीलिंग जो है उसकी वजह से
मन में थोड़ा सा एक अनइजीनेस पैदा होता है और उसको जैसे समय जा रहा है वैसे थोड़ा सॉर्ट आउट होता है, तो एक जो है लेकिन वो यूएचवी की वजह से जो हम थोड़ा सा उसको ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं वो एक इट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ ओनली यूएचवी, अगर ये नहीं होता तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता था। और उसी इसमें जो सिलसिले में आपने भी बताया था कि जो अभी अमेरिका वगैरह जो है उनका जो इंटेंशन है कि पूरे वर्ल्ड के ऊपर थोड़ा सा अपना ये रहे कंट्रोल रहे, तो उसके लिए लगभग 50% जो ये है अपने जो कॉस्ट ऑफ द लिविंग है उसके ऊपर ही हम एक ये कर रहे हैं एक्सपेंड कर रहे हैं डिफेंस के ऊपर या जो भी है। तो ऐसे ही अगर हम इंटरनल देश का भी देखेंगे तो देश में भी अगर एक प्रकार की हारमोनी आ जाती है अपने बीच में, तो जैसे कि मैंने पहले भी एक एग्जांपल बताया था कि रेलवे जो है सिर्फ विदाउट टिकट ट्रैवल कर रहे हैं कुछ लोग, 1% रहेंगे वो, उनकी वजह से एक इतनी बड़ी व्यवस्था अपने को एग्जीक्यूट करनी पड़ रही है जिसके ऊपर बहुत सारा एक्सपेंडिचर होता है जो अपना खुद का ही है आखिर में जो टैक्स पेयर है या जो भी है कंट्रीज के पीपल। तो जैसे भी टीसी है एक एक स्टेशन यानी एक डिस्ट्रिक्ट देखेंगे तो कुछ 100 टीसीज के ऊपर इनका एक्सपेंडिचर है वो है। या जैसा भी दूसरी बात जो है कि एक नॉर्मल थिंग जो है जैसा भी पुलिस की व्यवस्था जो है वहाँ पे भी अगर हम खुद होके अगर उसके ऊपर थोड़ा सा जो अनएथिकल बिहेवियर करने का अगर रेस्ट्रिक्ट करते हैं तो वो भी जो है एक्सपेंसेस कम हो जाते हैं। जैसे आपने बताया अमेरिका के लिए तो हम 50% जो करते हैं देश का, तो ऐसे इंटरनल भी देखेंगे तो हम कुछ परसेंटेज जो है 20-25% या उससे भी ज़्यादा शायद अननेसेसरीली वो हम सुविधा को बर्बाद कर रहे हैं यानी अपना जो पैसा है या वहाँ की फैसिलिटीज जो है। तो ये सही बात थी जो आपने बताया था। तो इसके लिए तो एक जो यूएचपी का आपने शायद 8-10 साल पहले से जो शुरुआत की है अभी वो थोड़ा सा मटेरियलाइज होते जा रहा है यानी हर एक कॉलेज में थोड़ा सा इसका एटलीस्ट पता तो चल रहा है कि सबको ये यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू जो है कितने इम्पोर्टेंट है और उसके प्रति कुछ स्टाफ जो है फैकल्टी जो है वो काम करने का उन्होंने शुरुआत किया है। तो इसके लिए तो सभी आपकी टीम यानी अपनी टीम को धन्यवाद ऐसा बोलना सही रहेगा। तो जितना हम स्टूडेंट के थ्रू ये आगे जाके इम्प्लीमेंट होने के लिए कोशिश करेंगे वो अच्छा रहेगा, यही मेरा एक शेयरिंग था सर। बिल्कुल देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, मतलब एक तो जो दूसरी बात आपने कही लास्ट में वो तो इम्पोर्टेंट है कि भाई हर कॉलेज में अगर एक टीचर भी ठीक से तैयार हो जाए ना इस काम के लिए सही है तो पूरे कॉलेज में एक बदलाव का प्रक्रिया शुरू हो सकता है और वो बहुत जगह होने लगा है, तो ये एक अच्छी सूचना है। दूसरा ये जो बात आपने कही कि ये जो बाहर के साथ 50% लगा रहे हैं अगर अंदर देखेंगे तो अंदर भी बहुत लगा रहे हैं बराबर है ना, मतलब आप अपने घर में भी देखेगा ना कितना सुविधा आपने दूसरे से सुरक्षा के दृष्टि से इकट्ठा किया है, कितना सुविधा दूसरे के साथ कंपटीशन के कारण किया है, है ना। मतलब आप एक मारुति 800 से भी आने जाने का काम कर सकते थे जितना आप करते हैं शहर के अंदर आने जाना, बड़ी गाड़ी खरीदते हैं क्योंकि आपका पड़ोसी के साथ विरोध है उसको आप सिखाना चाहते हैं, है ना कि नहीं। अभी बड़ी गाड़ी खरीद लेते हैं और अगर आप किसी बड़े शहर में तो बड़ी गाड़ी लेके जाना बहुत तकलीफ का काम है ना, मारुति 800 हो तो आप निकाल ले जाएंगे इधर उधर करके छोटे मोटे जगह, लेकिन आप बड़ी गाड़ी खरीदते हैं क्योंकि आपका विरोध का भाव है कंपटीशन का भाव है अपने मित्रों के साथ अपने है ना पड़ोसी के साथ। तो बहुत सारा सुविधा अभी जो है वो इसी तरह से जा रहा है। कपड़े भी आप इतने तरह के कपड़े खरीदते हैं और इतने तरह के कपड़े पहनते हैं वो तो विरोध के भाव के कारण ही है, कंपटीशन के कारण है, दूसरा आपको सम्मान दे नहीं रहा है आपसे सम्मान पाना चाहते हैं जबरदस्ती उसके कारण है कि नहीं। नहीं इसमें एक बात जो है कपड़े के बारे में या गाड़ी के बारे में जो सुविधा अगर जरूरी है तो लेना जो है वो बात सही है, कह रहा हूँ ये तो असुविधा है अभी जो हम कर रहे हैं सुविधा कहाँ है, इतने तरह के कपड़े को खरीदना सिलाना बनाए रखना है ना कितना असुविधा है। नहीं ये एक तो इसमें फीलिंग्स का जो भाव बोलते हैं हम
कि अपने को एक अच्छा लगता है कि नहीं, वो हम यानी कॉन्फिडेंस जो आता है, जैसे अभी कपड़े के बारे में जो बोलते हैं क्या है कॉन्फिडेंस, इसलिए हमारा टिका हुआ है कपड़े पे, क्योंकि हमको लगता है कि दूसरा बिना कपड़े के हमको जो है ना इस तरह का कपड़ा पहन के मैं नहीं जाऊंगा तो दूसरा हमको स्वीकारेगा नहीं। हाँ, ये भाव रहता है पूरा। एग्जैक्टली, तो दूसरा नहीं स्वीकार रहा, ये प्रॉब्लम है ना। कि नहीं, जैसे देखिए आपको कोई मित्र आता है उसके साथ आप बड़े कंफर्टेबल रहते हैं, जो भी कपड़ा आपको आरामदायक लगता है उसको पहनते हैं, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस है कि वो आपको स्वीकार लेगा ऐसे भी। करेक्ट। कोई ऐसा आदमी आता है जिसके आपको लगता है कि नहीं स्वीकारेगा, या आप कहीं जा रहे हैं और लगता है कि नहीं स्वीकारेगा, तब ऐसे कपड़े पहन के जाते हैं जो भले पहनने में असुविधाजनक हो, लेकिन आपको लगता है कि उसके बेसिस पे दूसरा स्वीकार लेगा। सही है, क्योंकि जैसे आपने बताया मॉर्निंग ग्रुप में हम जब वॉकिंग के लिए निकलते तो टी शर्ट और कंफर्टेबल जाते हैं, लेकिन कॉलेज में जब जाना है तो अनकंफर्टेबल पहन के जाते हैं, उसके लिए पैसा बहुत खर्चा करते हैं। करेक्ट, सही बात। ठीक है, देखिए सुविधा का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा अगर समझ आ गया, भाव ठीक हो गया। आज के दिन जो सुविधा है वो पूरे संसार के सभी लोगों के से 6 गुना ज्यादा है। सही। पूरे संसार के लोगों को जितना सुविधा चाहिए और जितना सुविधा आज के दिन है उसके जरूरत से 6 गुना ज्यादा है, कई गुना ज्यादा है। ठीक है ना, तो सुविधा का प्रॉब्लम से तुरंत सॉल्व हो जाएगा, सेल्फ को सॉल्व होने में टाइम लगे भले। तो USB 2 अगर लोग USB अगर लोगों तक पहुंच गया से तो सेल्फ का प्रॉब्लम सॉल्व होना शुरू होगा, रिलेशनशिप का प्रॉब्लम सॉल्व होना शुरू होगा, सुविधा का प्रॉब्लम तो तुरंत ही सॉल्व हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज्यादा है। हाँ, वो तो इमीडिएटली सॉल्व हो सकता है। ठीक है, बढ़िया है, बहुत अच्छा। अब तो 7:30 बज गए हैं, प्रश्न तो है कई सारे, लेकिन कल हमारे पास समय भी है, कल हम लोग सारे प्रश्न जो भी बचे हैं वो ले लेंगे और जो बात हम लोगों ने सम अप की है उसको फिर से एक बार सम अप कर देंगे, उस पर कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन होगा तो उसको भी कर देंगे, है ना। कल हम लोग मृणालिनी जी के प्रश्न से शुरू करेंगे, मृणालिनी जी हैं, ऋषिराज जी हैं और अजय जी हैं। ठीक, फिर से एक बार सभी को धन्यवाद। जी धन्यवाद, रोक ले बताइए। जी 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 सर, रोक सकते हैं। नमस्ते सभी। जी सर, रोक सकते हैं सर। जी नमस्ते सभी को। नमस्ते जी। नमस्ते। नमस्ते गणेश जी। नमस्ते, एक्चुअली आई एम इन द इंग्लिश सेशन, सो टुमारो ऑनवर्ड्स यू आर नॉट कमिंग टू इंग्लिश सेशन, दैट्स आई एम वेटिंग एंड आई एम आस्किंग माय क्वेश्चन व्हाट आई हैव। So after attending this workshop, I can respond to your question tomorrow, then hand over, you know, the session. Okay. So, yeah, I'll do that. Yeah. There is somebody else also who wants to ask some questions. So I'll respond to the questions and then hand over the session. Yes. Thank you. Shall I ask? No, we'll take up tomorrow morning. Hindi ke session ko abhi chala lete hain aur fir kal aapke prashn ko hum log respond karenge. Hai ki nahi? Aapke prashn ko respond karke fir hum log handover karenge. Ji. Brajesh Kumar ji hain. Unko puch lete hain. ब्रजेश कुमार मिश्रा जी कानपुर से, आपका कोई प्रश्न हो या कोई शेयरिंग हो तो आप बता सकते हैं। जी भैया नमस्ते। खड़े जी हैं, हाँ बताइए। सर मैं ये कह, मेरा ये सर तीसरा जो है ना, तो हम मॉर्निंग सेशन में जी। सर मेरा तीसरा सेशन है जिसको मैं अटेंड कर रहा हूँ जी, और इस सेशन में पहले बार तो सर
केवल एक ध्यान जाने का काम हो पाया था और दूसरी बार उससे ज्यादा गति हुई जी। और अब की बार जो गति है उसमें सर क्लैरिटी काफी दिखाई दे रही जी। पहले क्या होता था कि हम आपकी आवाज कट रही है। हेलो, अब आवाज आ रही है सर? हाँ अब आ रही। तो हमें काम नहीं होता था मेरे लिए वो दूसरी बार में ये हुआ। हेलो जी, कट रही है आपकी आवाज, कट रही है। मुझे लगता है नेटवर्क की समस्या है थोड़ी सी। अब सही हुआ सर कुछ? हाँ अभी तो कुछ आवाज आ रही है जी। नेटवर्क में मैं पहुंच रहा हूँ बाहर थोड़ा सा। अब सर आपके? हाँ अभी ठीक है, बताइए। तो यही हुआ था कि जैसे फर्स्ट टाइम हमने अटेंड किया था तो हमें था कि नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही है ब्रिजेश जी, आवाज नहीं आ रही। आपका प्रश्न बता दीजिए एक लाइन में, अगर बता सकते हो तो उतनी आवाज शायद आ जाए तो हम उसको रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, नहीं तो हम तो फिर लौट कर आपके प्रश्न को लेंगे। भैया हमें लगता है कि हमारी तरफ नेटवर्क में गड़बड़ी है। जी 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 जी, ठीक है ना, थोड़ी देर में लौट के आएंगे तब आपका प्रश्न लेंगे। जी भैया, जी भैया जी, ठीक है। राजेंद्र खरे जी हैं, हरमीत सिंह हैं और अखिलेश जी हैं आप में से। नमस्ते नमस्ते भैया। नमस्ते, नमस्ते नमस्ते सभी को, हरमीत बोल रहा हूँ भैया जी। नमस्ते नमस्ते भैया, एक तो ये प्रश्न पूछना था कि जो संबंध की फीलिंग हमने देखनी है तो उसमें जो मतलब मेन मुख्य बात है, जो हमारी 9 फीलिंग्स हमने डिस्कस की है, मतलब उसको ही देखना है कि प्रेम का भाव है दूसरे के प्रति, मीन्स संबंधी का, और वो सारी फीलिंग उसमें इंक्लूड होती है, यही देखना है संबंध का भाव, मतलब यही है। देखिए ये तो उसके डिटेल्स हैं, संबंध के भाव का डिटेल्स है ये फीलिंग ना, जो 9 फीलिंग की बात हम लोग की ना। जी जी भैया, उसका डिटेलिंग है जी, है ना। और उसमें से अगर एक फीलिंग को आप आइडेंटिफाई करना चाहेंगे तो फीलिंग ऑफ लव की जब बात की हम लोग, तो ये कहा कि हम हर एक को अपने संबंधी के रूप में स्वीकार रहे। ठीक, उसी को प्रकारांतर से देखेंगे तो अलग अलग फीलिंग के रूप में वो व्यक्त होता है। अभी तो हम लोग बेसिक पूछ रहे हैं, फंडामेंटल बात ये पूछ रहे हैं कि फीलिंग ऑफ रिलेशनशिप है कि फीलिंग ऑफ अपोजिशन, मींस उसका मतलब भी दूसरे को संबंधी के रूप में देख रहे हैं, उसका मतलब मींस उसके प्रति भाव क्या है, संबंध का मींस बैर विरोध का या मतलब लड़ाई झगड़े का या संबंध का? वही तो, देखिए एक बार अगर विरोध का भाव आ गया ना तो ये जितने फीलिंग बात की है ना, ट्रस्ट ना, विश्वास, सम्मान, स्नेह, ये कोई भाव नहीं टिकने वाला है। जी जी बिल्कुल भैया, है कि नहीं? जी जी बिल्कुल भैया। और अगर संबंध का भाव आएगा तो ये सब फीलिंग धीरे धीरे आ ही जाएगी। तो वही पूछ रहा था ये संबंध, जी बिल्कुल भैया, तो संबंध का भाव तो पहले मोटा मोटी पूछ लें कि संबंध का भाव है कि विरोध का भाव। जी जी भैया, मतलब सीधा सीधा ही, मतलब उसको कोई मतलब वही समझ नहीं आया तो, क्योंकि कुमार भैया ने पीछे मेंशन किया था कि ये 9 मतलब वो फीलिंग उसमें आती हैं, तो मुझे सीधा सीधा देखने में थोड़ा, जब पूछता हूँ मैं दूसरे से कि संबंध का भाव या सही भाव क्या होना चाहिए, अगर विरोध का भाव चलता है तो ऐसा होता है कि संबंध का भाव होना चाहिए, तो पहला तो यही आता है क्वेश्चन जो विचार के लेवल पे, जब भाव को निश्चित करने आता है कि
सामने वाला भी सुखी ही होना चाहता है, ये खुद परेशान है। तो मतलब पहले वो इंटेंशन कॉम्पिटेंस ट्रस्ट वाला आता है, फिर ही संबंध का भाव उस पे बेस होके निर्धारित होके टिक पाता है। मतलब यही फीलिंग ऐसे ऐसे ही देखना है या सीधा सीधा ही, मतलब कैसे, थोड़ा समझ नहीं पा रहे संबंध के भाव को दूसरे और इकाइयों के प्रति कैसे देखना है। हेलो भैया, आवाज नहीं आ रही भैया आपकी। हम लोग ये कह रहे हैं कि सीधा सीधा अपने से पूछें जी कि अपने में दूसरे के प्रति संबंध का भाव सहज स्वीकार होगा कि विरोध का भाव, इसको पूछिए, इसका उत्तर क्या आता है देखिए। इसका उत्तर तो भैया यही आता है कि संबंध का भाव, बस इतना सिंपल है तो उसको क्यों कॉम्प्लिकेट करेंगे। ठीक है ना, अभी क्या है हमारा अभ्यास हो गया चीजों को बड़ा फैला के देखने का। जी जी भैया बिल्कुल। हाँ देखिए, जब आप बाहर व्यवहार में जाएंगे तो बहुत फैल जाता है, हजारों लोग हैं, लाखों लोग हैं जिनसे व्यवहार करना है, ठीक है ना। जब आप विचार में आएंगे तो चीजें उससे और संक्षिप्त हो जाती हैं, जब भाव में आते हैं तो और संक्षिप्त हो जाता है ना, एकदम कंडेंस हो गया ना बहुत। समझा भैया कि भाई संबंध का भाव होना है कि विरोध का भाव होना है, क्या सह स्वीकार है, तो संबंध का भाव सह स्वीकार है। अब ये इतना मतलब इतना फोकस्ड हो गया ना जी भैया, समझ रहे हैं। ये भी प्रश्न है कि किसके साथ संबंध है, तो ये जो हजारों लोग थे ना अभी सब सिमट गए है। मतलब बाहर जो मर्जी हो अपने अंदर संबंध का ही भाव रखना है। बिल्कुल, तो ये जो बाहर निर्वाह करने जाएंगे तो आपको हजारों लोग करोड़ों लोग दिखाई पड़ेंगे, भाव की जगह पर तय करने जाएंगे तो ये सब मिलकर एक हो गए, कोई भी इकाई हो, संबंध का भाव सह स्वीकार होगा, विरोध का भाव सह स्वीकार होगा। समझा भैया, मतलब सीधा सीधा ही उसको ही देखें, तो मतलब क्योंकि फीलिंग पे ही सुख है तो सीधा उसको ही देखें जिस पे मतलब आराम में बने रहते हैं हमेशा, बाहर जो मर्जी हो कुछ भी हो, जिस भाव में हम सुखी रहते हैं उस भाव को सीधा देख के उसको ही सुनिश्चित करने की कोशिश करें बस। और इतना कर लिए तो हम तो अपने राजा हो गए हैं कि नहीं, अब हमारा तो हर एक के प्रति संबंध का भाव है और उससे हम सुखी हैं। जी भैया ठीक, अब उसके अर्थ में विचार करेंगे कि भाई लोगों के साथ संबंध में कैसे निर्वाह करें, कैसे उसका है ना दूसरे को भी हम सुखी करें, उस विचार के तहत जो कोई सामने होगा तो उसके साथ हम व्यवहार भी करेंगे, कोई नहीं होगा तो हम अपने में तो सुखी हैं। जी भैया इसी से क्या है आपका भाव निश्चित होगा। जी भैया अभी हम सामने वाले को ध्यान में रखकर व्यवहार जब करने जाते हैं तो हम उसके व्यवहार से प्रभावित होते रहते हैं। अभी बहुत सारे जो प्रश्न आ रहे हैं वो तो इसी के बारे आ रहे हैं कि दूसरा ठीक नहीं कर रहा तो हम क्या करें। जी भैया हम तो वही करेंगे जो हमारे लिए ठीक है, और हमारे लिए ठीक ये है कि हमारे में संबंध का भाव हो, विरोध का भाव ना हो, उसको हम करेंगे, हम सुखी रहेंगे, सुखपूर्वक हम सोचेंगे कि इसके लिए क्या कर सकते हैं। तो कोई सामने नहीं है तो भी हमारा भाव सही है और हम सुखी है, कोई सामने है तो भी हमारा भाव सही है, हम सुखी हैं और सुखपूर्वक हम उसके लिए कुछ करने की सोच रहे हैं। ठीक है, वो सदव्यवहार कर रहा है तो भी हम उसके लिए यही सोच रहे हैं, दुर्व्यवहार कर रहा है तो भी ये सोच रहे हैं, हमारा भाव विचार तो निश्चित है और हम सुखी हैं उस भाव विचार। ठीक रहेगा ये जी भैया, समझ आया भैया। एक और इसके ही रिलेटेड प्रश्न है, भाव और फीलिंग है के संबंध, थोड़ा ना पिछली मान्यताओं को जोड़कर, थोड़ा एक्सपीरियंस को जोड़कर और शब्दों के जोड़कर खिचड़ी सा बन गया है, मैं एक दो दिन से उलझ रहा हूँ उसमें। मैं एक दो लाइनों में रख देता हूँ, अगर आप मतलब मैं कन्वे कर पाऊँ कि आप पूछना चाहता हूँ तो आप उसको रिस्पॉन्ड कर दीजिए। मतलब जैसे एक बात ये हुई थी कल की, आपने ही रखी थी बात कि अगर पहला स्टेप अच्छे से होने लगता है कि जब हम उसको देखते हैं अच्छे से, दूसरा तीसरा और जो 7 स्टेप है वो खुद ब खुद होने लगता है। थोड़ा थोड़ा ये एक्सपीरियंस भी है, मतलब जब अच्छे से दिखता है, जब होश सदा रहता है
तो ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, मतलब आगे के स्टेप पीछे को पहले को सपोर्ट देते हैं, तो एक तो ये भी थोड़ा एक्सपीरियंस है कि होता है खुद ब खुद जब अगर अच्छे से ध्यान बना रहता है। एक और भी बात हुई थी भैया, जैसे ये तो हम देखते हैं कि अभी जो विचार चलता है कल्पनाशीलता जो हम भाव है उससे ही सुख दुख निर्धारित हो रहा है, और भाव हमारी समझ से जो पीछे क्या मान्यता है या सेंसेशन पे या किसके बेस पे उस भाव हम निश्चित कर रहे हैं वो बदलता रहता है, मतलब ये भी थोड़ा थोड़ा दिख पा रहा है। तो जैसे हमने भैया एक बात की थी पीछे, एक दीदी ने क्वेश्चन पूछा था कि जैसे भी कोई हम चीज गलत कर रहे हैं कमिटमेंट कर दी तो भी दुखी हो रहे हैं, तो ये रिस्पॉन्ड दिया था आपने, ये और भी ये बात देख सकते हैं कि अगर उसको हम रिएक्शन देते हैं तो ही दुखी होते हैं, पर अगर हम उसको स्वीकार कर लेते हैं कि अभी भैया ठीक है ये हमें गलत चीज है या फिलहाल हमको करनी पड़ेगी पर कोई बात नहीं, अगर उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो ऑपोजिशन की फीलिंग नहीं रहती, एक आराम में आ जाते हैं, पर विचार फिर भी वही चले, पर जब एक्सेप्ट कर लेते हैं तो पता नहीं फीलिंग चेंज हो जाती है, तो विचार वो कैसे फिर भी वही चलते रहते हैं। तो इससे एक एक और भैया चीज मेंशन करनी चाहूंगा, जैसे दृष्टा भी कोई भाव है, ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि भैया जैसे कई बार रहता हूँ कि अभ्यास करने में बैठा हूं तो एक घंटे में अभ्यास कर रहा हूं, तो अगर तो दृष्टा सदा रहता है कि मतलब इतना दिखता रहता है कि मैं पृथक हूं और जो भी विचार चल रहे हैं वो थोड़े दूर से दिखाई देते रहे, फीलिंग का मुझे इतना उस वक्त पता नहीं रहता, मैं मतलब ईमानदारी से बोलता हूँ कि फीलिंग मुझे इतनी नहीं दिखती, पर मैं कहता हूँ कि कोई भी विचार चले जी हमने इसको थोड़ा साइड से देखना है, तो उस समय मैं आराम में बना रहता हूँ विचार जो मर्जी हो, तो उस समय मेरी फीलिंग क्या रहती है, तो ये सब चीजों में थोड़ा मैं उलझ सा गया हूँ कि विचार कुछ भी चले फीलिंग फिर भी ठीक ही लगती है मुझे, या मुझे इसे मतलब और अच्छे से देखने की भी जरूरत है, क्योंकि मुझे दृष्टा का थोड़ा मैंने पहले भी शायद आपसे पूछा था देखा नहीं मैं फिर भूल गया, मैं भी अभी नहीं देखूंगा फिर भूल जाऊंगा, तो इसको और देखने की जरूरत है, क्योंकि दृष्टा का जब ऐसा लगता है कि विचार थोड़े दूर चल रहे हैं हम पृथक हैं उसमें मतलब जोड़ तड़ाव भी हम कर रहे हैं फिर भी अगर पृथक का भाव बना रहता है तो इतनी बेचैनी सी नहीं होती, हारमोनी से बने रहते हैं उसमें ही आराम से उठ जाते हैं, फीलिंग का मुझे पता नहीं लगता, तो विचार कुछ भी चलते हैं अगर फीलिंग को एक्सेप्ट कर लेते हैं, जैसे एक वो कंडीशन हुई जब खुद ब खुद ये सारे मुझे एक से ही लग रहे हैं, तो उस समय भाव क्या रहता है जब मतलब शांत से रहते हैं विचार कुछ भी चले एक्सेप्ट करके दूर से देख रहे हैं जी, ये मैं समझा पाया भैया? जी जी आपका अच्छा प्रश्न है, मैं उसको फॉर्मुलेट कर देता हूँ प्रश्न को फिर उसका उत्तर दे देता हूँ, है ना जी भैया? फॉर्मुलेट मुझसे हो नहीं रहा, मैं दो दिन से कोशिश कर रहा हूँ जी। तो बात ये पूछी जा रही है कि हम शुद्ध दृष्टा की जगह पर जब होते हैं है ना, तो हम चीजों को देख भी रहे होते हैं और उस पर कोई प्रतिक्रिया भी नहीं कर रहे होते हैं जी भैया, ठीक है, तो उस समय हम आराम में रहते हैं जी बिल्कुल भैया, ठीक है ना, लेकिन जैसे ही हम अपने दृष्टा की जगह से नीचे आ जाते हैं जी भैया, अपने विचार से अपने को पहचानने लगते हैं, अपने भाव से अपने को पहचानने लगते हैं, तो हमारा जो सुख दुख है वो अपने भाव विचार पर निर्भर करने लगता है जी भैया, बिल्कुल भैया, ठीक है ना जी। तो अभी क्या करें ये प्रश्न है, ठीक है ना जी भैया, उसको सादे ही रखें, अभी आता ना पहले तो प्रश्न पहले फॉर्मूले हो जाए जी, बिल्कुल सॉरी भैया आप कंटिन्यू करिए, बिल्कुल ऐसा ही है यही प्रश्न था जी। तो अभी एक बार प्रश्न फॉर्मुलेट हो गया तो उसका उत्तर ढूंढते हैं जी भैया जी भैया, तो जब देखने जाएंगे ध्यान से तो ये पता लगता है कि जब भी हम दृष्टा की जगह पर होते हैं तो हम आराम में होते हैं जी भैया, नीचे कुछ भी चल रहा हो जी भैया, जब हम दृष्टा की जगह को छोड़कर नीचे उतर जाते हैं तो वहां पर फिर हमारी मान्यता या हमारा समझ या हमारा भाव हमारा विचार ये काम करने लगता है और उसके आधार पर तय होने लगता है कि हम सुखी होंगे कि दुखी होंगे जी भैया, ठीक है ना, ये होता है। तो अब हमको क्या करना है, हमको ये करना है कि हमको दृष्टा की जगह पे बने रहना,
ये अगर कर लिया तो हम आराम में रहेंगे, इसकी गारंटी है। जी आराम में रहते हुए अब हम नीचे की चीजों को देखेंगे और इसकी सफाई करेंगे, इसकी साफ सफाई करेंगे ना, इसका परिमार्जन करेंगे। तो अगर आपको ध्यान होगा कि शुरू में ही हम लोगों ने कहा था कि ये जो सुबह का हम अभ्यास कर रहे हैं, ये एक्सरसाइज 1 और 2, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य यह है कि हम अपने संस्कार का परिमार्जन कर सकें, ठीक है ना, प्यूरिफिकेशन ऑफ द सेल्फ, तो सेल्फ के प्रति अवेयर भी हो सकें और उसका प्यूरिफिकेशन भी कर सकें। ये प्यूरिफिकेशन करने का तरीका यह है कि हम अपने दृष्टा की जगह पर बन जाएं, वहां बने रहते हुए नीचे जो चल रहा है उसको देखें, उसको देखकर ये तय करें कि इसमें क्या सहज है क्या असहज है, ठीक है ना। जो सहज है उसको बनाए रखें, जो असहज है वो विदा होने लगता है खुद ही। तो धीरे धीरे हमारे संस्कार का, हमारे भाव विचार का शुद्धिकरण होने लगता है, परिमार्जन होने लगता है, प्यूरिफिकेशन होने लगता है। तो अपने को इतना ही काम करना है, इसीलिए बार बार हम लोग कह रहे हैं कि स्टेप 1 ही सबसे महत्वपूर्ण है। स्टेप 1 का मतलब ये, अगर ठीक से देखेंगे तो शुरू में इतना स्पष्ट नहीं होता, धीरे धीरे स्पष्ट होगा। स्टेप 1 का मतलब है कि जब हम कह रहे हैं कि हम होश पूर्वक देख रहे हैं, ठीक है, तो होश पूर्वक देख रहे हैं का मतलब क्या हुआ कि हम दृष्टा की जगह पर हैं, वहां से अपनी कल्पनाशीलता को, अपने भाव विचार को देख रहे हैं और उसको देखते समय कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रहे हैं। ये प्रतिक्रिया नहीं करना वो दृष्टा का ही है, बनावट है। दृष्टा का एक गुण यह है कि वो प्रतिक्रिया नहीं करता, देखता है ना, प्रतिक्रिया नहीं करता है। जब आप नीचे आ जाते हैं तो आप प्रतिक्रिया शुरू कर देते हैं और वो प्रतिक्रिया आपके अभी तक के मान्यता के आधार पर होता है, संस्कार के आधार पर होता है। तो उसके लिए एक शब्द प्रयोग किए हैं, तटस्थ। तटस्थ का मतलब है तट में स्थित। तट जानते हैं ना, नदी का तट होता है, किनारा। जी जी भैया, जी भैया। बैंक ऑफ द रिवर। तो अभी ये जो पूरा आपका भाव विचार का नदी बह रहा है, आपके संस्कार और संस्कार के आधार पर भाव विचार का जो नदी बह रहा है ना, आप उसमें कूद नहीं पड़े हैं, आप उसके किनारे खड़े होकर देख रहे, तट में स्थित हैं। यू आर सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, यू आर नॉट जंपिंग इन टू द रिवर, सो यू आर नॉट फ्लोइंग विद द रिवर, यू आर ऑब्जर्विंग द रिवर फ्लोइंग by sitting at the bank of the river। तो ये दृष्टा होना और प्रतिक्रिया नहीं करना का मतलब ये है कि हम होश में है और होश पूर्वक देख रहे हैं और देखते समय कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रहे हैं, मतलब हम उस पर कूद नहीं रहे नदी में जो बह रही है। इतना अगर हम कर लेंगे कि हम दृष्टा पद में हैं, दृष्टा की जगह पर हैं, शुद्ध दृष्टा के रूप में बने हुए हैं, जो अपने में चल रहा है, अपने भाव विचार में, अपने मान्यता में, संस्कार में, वो सबको देख रहे हैं और कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रहे हैं। इतना अगर हम कर पाए तो आगे के स्टेप्स होने लगेंगे। ये बात हम लोगों ने कल कही थी। क्या होने लगेगा? हमको ये दिखने लगेगा कि इस क्षण हमारे में क्या भाव चल रहा है, ये भाव सहज है कि असहज है, हमको सहज स्वीकार होता है कि नहीं होता है, इस भाव के साथ हम आराम में है कि परेशान है। और हम का मतलब ये नीचे वाला क्रियाएं, दृष्टा की जगह पर तो हम आराम में हैं। भैया यहाँ एक क्वेश्चन रख सकता हूँ छोटा सा? हाँ। यही मैं फंसता हूँ, यही फिर मैं कंफ्यूज होता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो आराम में ही हूँ, फिर जो फीलिंग वाला भाग है कि खराब फीलिंग चल रही है, मुझे ऐसा लगने लगता है कि कोई फीलिंग चल नहीं रही है, क्योंकि मैं एक तरफ तो मैं कह रहा हूँ कि मैं आराम में ही हूँ जब देख रहा हूँ, तो दूसरी तरफ मैं कह रहा हूँ कि असहज फीलिंग आ रही है तो दुख सुख होगा, तो यहाँ मैं फंस जाता हूँ। वही इसको ठीक से क्लियर कर लेते हैं अपन। उसमें क्या है कि हम अगर वहां बने हुए हैं तो हमको तो कोई जो है दुख होने का कोई मुद्दा ही नहीं है, हम तो सुखी हैं वहां पर, वहीं पे बने रहे। एक बात तो ये, अब वहां बने रहते हुए नीचे को देखें तो नीचे की सफाई अब हमको करनी है।
तो ये जो सुख दुख की बात हो रही है, अभी नीचे की जगह पर कोई रहेगा तो वहां सुख दुख होगा, ये बात हो रही है। हमको भी सुख दुख इसलिए महसूस होने लगता है क्योंकि हम ऊपर से खिसक के नीचे आ जाते हैं, तटस्थ नहीं रहते हैं, हम कहीं ना कहीं नदी में कूद पड़ते हैं, ठीक है ना। वहां बने रहेंगे तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि वहां हम बने हुए हैं तो वहां तो हम आराम में हैं, ठीक है ना। शुद्ध दृष्टा की जगह पर तो हम हमेशा आराम में ही हैं, वहीं उसी लिए उसको आनंद कहा। आनंद शब्द का मतलब है जहां सुख दुख का झंझट नहीं है, जहां सुख का निरंतरता है। आनंद शब्द का मतलब यही है, नंद की निरंतरता होना, सुख की निरंतरता होना, इसलिए उसके लिए एक अलग शब्द प्रयोग किए आनंद। तो जब हम शुद्ध दृष्टा की जगह पर हैं तो हम तो आनंद में हैं, आनंद में रहते हुए हम नीचे का देख रहे हैं और उसकी सफाई कर रहे हैं। सफाई करने का मतलब क्या है, अगर हम सही देख रहे हैं है ना, अपने को भी दूसरे को भी पूरे अस्तित्व को भी, तो पूरे अस्तित्व की एक एक इकाई के साथ हमको कैसे जीना है, उसके प्रति हमारा क्या भाव होगा, उसके प्रति हमारा क्या विचार होगा, उसकी क्या समझ होगी, अब इसको हम सबको फिक्स कर रहे हैं। तो हमारे जो बाकी नीचे की क्रियाएं हैं उसको हम फिक्स कर रहे हैं, उसको ठीक कर रहे हैं, क्योंकि वो ठीक रहेगा तभी हम बाहर जब जीने जाएंगे तो ठीक जी पाएंगे। तो हमारा प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया दृष्टा की जगह पर होने से, परस्परता में जीने के बारे जो है उसके लिए हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, अगर ठीक से हम दृष्टा की जगह पर पहुंच गए तो, कि हमारा प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया, जो आपने कहा वो बिल्कुल ठीक है। अब अपने सॉल्व प्रॉब्लम के साथ अपन जो है अब सोचते हैं कि दूसरों के साथ कैसे जिए, उसके लिए सही भाव विचार जरूरी है, सही समझ जरूरी है बाकी चीजों का, उसकी उनके प्रति सही भाव जरूरी है, उनके साथ कैसे निर्वाह करेंगे इसका विचार जरूरी है। लेकिन हमारे साथ भी क्राइसिस क्या है कि कई बार हम दृष्टा की जगह से खिसक के नीचे आ जाते हैं, है ना, किनारे बैठे नहीं रहते हैं, नदी में कुछ पड़ते हैं तो नदी के साथ बहने लगते हैं, तो नदी भी सही बहे, नदी में गंदगी ना हो, कचरा ना हो, इसको सुनिश्चित करना जरूरी है। तो उस काम को कर रहे हैं, बाकी जो स्टेप 2 से लेकर 7 तक है वो इस काम को करने के लिए है कि ये जो नीचे की क्रियाओं में जो भी हो रहा है वो सही हो, उसको सुनिश्चित करने के लिए। और वहां भी आकर हम कभी जी रहे हैं तो हम वहां भी आराम में जी पाए। लेकिन वहां ठीक नहीं भी चल रहा है तो हम तो अगर दृष्टा की जगह पर आ गए वापस, वहां तो हम आराम में रह सकते हैं, उसको हमको कोई नहीं रोकता, वो फैसिलिटी हमको हमेशा उपलब्ध है। तो ये शुद्ध दृष्टा की जगह पर बना रहना और वहां से पूरे अपने संस्कार से लेकर भाव विचार का नदी जो बह रहा है, अपनी मान्यता या समझ से लेकर भाव विचार का ये सारा जो नदी बह रहा है उसको देखना और उसकी साफ सफाई करते रहना, ये काम है हमारे लिए। उसी काम को हम लोग स्टेप 1 से स्टेप 7 में कर रहे हैं। इसलिए स्टेप 1 से शुरू करते हैं, जब पहले शुरू करते हैं तो कभी कभी दृष्टा में रहते हैं, दृष्टा पद में रहते हैं, फिर हम खिसक के नीचे आ जाते हैं, सुखी दुखी होने लगते हैं, ये सारे प्रश्न इसी के बारे होते हैं अभी देखेंगे तो, है ना। लेकिन ये सब करते करते हम थोड़ा और ज्यादा समय तक दृष्टा के रूप में रह पाते हैं, मतलब स्टेप 1 पर ठीक से काम हो पाता है। वैसा करते करते फिर खिसक जाते हैं नीचे, फिर बहुत सारा है ना उथल पुथल चलता है। बट इस प्रक्रिया में हम अपने को देखने का, मतलब बाकी जो नीचे की क्रियाएं हैं उनको देखने का, समझने का, उनकी जांच परख करने का, उनका शुद्धिकरण करने का, परिमार्जन का काम करते जाते हैं। जितना जितना ये होता जाता है उतना वापस हम अपने दृष्टा की जगह पर ज्यादा समय तक रुक पाते हैं। और जब हम दृष्टा की जगह पर रहते हुए इनकी सफाई कर लेते हैं तो यहाँ भी नीचे भी जब हम आते हैं तो भी हम आराम में रहते हैं, क्योंकि अब कोई अंतर विरोध है नहीं इन जगहों पर। तो क्या हो रहा है कि हम अपने जीने की जगह को ही ऊपर नीचे करते रहते हैं, और अभी तो देखिए ज्यादातर हमारा जीने का जगह हमारा आशा है, ये जो दूसरे से अपेक्षा करते हैं कि बाहर चीजें ठीक हो जाएं,
उस आशा की जगह पर हम ज्यादातर हमें जीते रहते हैं, इसलिए ज्यादा उठापटक होती है। जितना जितना हम ऊपर उठते जाते हैं उतना उतना हमारा उथल पुथल कम होता जाता है। और अगर हमारे जीने की जगह दृष्टा वाला हो जाए, शुद्ध दृष्टा का, ठीक है, तब तो हम आराम में ही रह सकते हैं हमेशा, कोई झंझट ही नहीं है। बाहर कितना भी उथल पुथल होता रहे, है कि नहीं? जी जी भैया। तो दृष्टा को कोई हम भाव नहीं कहेंगे, मतलब वो एक स्थिति ऐसी है कि वहां कोई रिएक्शन नहीं होती, तो अगर उसमें बने रहते हैं तो हम आराम में बने रहते हैं। दृष्टा की जगह पर अगर भाव को देखना है तो आनंद का भाव है, वहां आप हमेशा सुखी हैं। इसलिए आनंद शब्द प्रयोग किया, सुख और दुख का द्वंद नहीं है, द्वंद्वातीत। बहुत बढ़िया भैया एक्सप्लेन करा, मतलब काफी अभी मुझे और देखने में आसानी होगी और हाँ। इसको अभी मैं देखूंगा बिल्कुल, पर अभी बिल्कुल। अभी एक मान्यता में आके मैं फंस जाता, मुझे एक ऐसा बन गया है मेरे कि एक तो ऐसा है कि जब दृष्टा में बने रहता हूँ, अगर मैं कई बार रिएक्शन, जिसको बोलते हैं कि रिएक्शन हो जाता है, मुझे ऐसा जब ऐसा बन सा गया कि जब मैं ठीक करने जाता हूँ तो मैं मतलब रिएक्शन खुद ब खुद हो जाती है, मैं खिसक जाता हूँ, मतलब दृष्टा से खिसक के ठीक करने में बिजी हो जाता हूँ, तो फिर दुख सुख में उलझ जाता हूँ। सही बात है, ये मुश्किल बहुत पड़ रही है, अभी बहुत लंबे समय तक चलेगा, है ना? क्योंकि तो मुझे ऐसा लगने मान्यता सी बन गई है कि एक ऐसा भी अगर वहां बने रहते हैं तो भैया नदी भी साफ चलती लगती है, उसमें भी उथल फुथल नहीं होती। बिल्कुल, तो फिर ये तो मतलब सर्कल सा बन गया, उसको ठीक करने दोनों तरफ से गड़बड़ होगी, ठीक करने जाते हैं नदी को और खराब भी कर देते हैं, ऊपर से भी नीचे आ जाते हैं। ऐसा ही होता है, देखिए तालाब में अगर गंदगी जमा हो ना, तो उसका सबसे अच्छा तरीका है कि तालाब को थोड़ी देर छोड़ दें, तो गंदगी जो है नीचे बैठ जाती है। हम क्या करते हैं, हम उसके ऊपर कूद जाते हैं, कूदने से क्या होता है, वो गंदगी और नीचे से ऊपर आ जाती है। तो मतलब इसको धीरे धीरे होने दें, दृष्टे के भाव को जितना मतलब बिना रिएक्शन के इमेजिनेशन को जितना देख सके उसको संभालें, और सफाई को धीरे धीरे होने दें, उसको उसमें जल्दबाजी ना करें, ये ठीक निकाल पा रहा हूं भैया? बिल्कुल ठीक निष्कर्ष है, ये जल्दबाजी भी रिएक्शन है, वो अपने पुराने संस्कारों के कारण जल्दबाजी है। नहीं तो किस बात की जल्दबाजी, अपन तो है ही निरंतर बने हुए, इतने हजारों सालों से हम लोग गंदगी बनाते रहे, फिर भी हमारा होना बना हुआ है, हमारे में दृष्टा की संभावना बनी हुई है, अब उसको देख लें तो फिर आराम आराम से सफाई करते रहेंगे, क्या जल्दी है? ये जल्दी भी हमारे संस्कार की समस्या है। थैंक यू वेरी मच भैया, ये मेरा एक बहुत बड़ा मतलब मुझे लगता है कि प्रश्न थोड़ा सा मतलब मुझे देखने में आसानी हो जाए, ये तो नहीं कहूंगा कि हल हो गया फिर मैं, क्योंकि पहले भी मुझे लगता है मैंने पूछा था, अब पूछा है, मुझे लगता है अभी देखने में और आसानी होगी, और यहीं पे मैं आके बहुत बार फंसता था। बिल्कुल, देखिए धीरे धीरे गति होगी और ये प्रश्न बार बार आएगा, लेकिन हर बार जब प्रश्न आएगा ये, तो उसका जो स्टेटस स्थिति होगी पहले बहुत अच्छी होगी। ये प्रश्न जब आप पहले पूछे होंगे तब आपके दृष्टा में होने की जो स्थिति होगी उससे अभी बहुत बेटर होगी। तो प्रश्न आप वही बार बार पूछेंगे, लेकिन आप जो पूछने वाले हैं वो हर बार बदले हुए होंगे, और टाइम तो लगेगा क्योंकि इतने पुराने हमारे अभ्यास हैं, है ना, कितने शरीर यात्राओं में हमने सब इकट्ठा करके सबको रखा है, इस शरीर यात्रा में भी 20 साल 25 साल 50 साल इकट्ठा किया है बहुत सारा, है ना, तो उसको धीरे धीरे देखने में, उसका मूल्यांकन करने में, उससे है ना उसकी सफाई करने में तो टाइम लगेगा। तब तक बार बार ये होगा कि आप दृष्टा की जगह पे जाएंगे, लौट कर आकर फिर वहीं पर है ना गिर जाएंगे, फिर तकलीफ भोगेंगे, फिर ऊपर जाएंगे, ऊपर जाएंगे, बट धीरे धीरे दृष्टा की जगह पर होने का जो वो है समय वो बढ़ता जाएगा, जी समय तो लगेगा। जी जी भैया,
और ये प्रश्न को आप जितनी बार भी चाहे पूछ सकते हैं, क्योंकि वो आप जब पूछेंगे तो पहले से ज्यादा बेटर स्थिति में रहकर पूछेंगे, तो ये उत्तर जो दिया जाएगा वो ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा पहले की तुलना में। मैं हिचकिचा रहा था थोड़ा पूछने में, मुझे लगा तो मैंने सोचा चलो आपसे ही पूछूंगा, क्योंकि पहले भी मैंने आपसे ये प्रश्न पूछा था। जी जी बिल्कुल, बार बार पूछिए इसको। जी भैया धन्यवाद, धन्यवाद सभी को, सभी। अखिलेश जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? अखिलेश अर्गल जी, या कुछ शेयर करना चाह रहे हैं? नमस्ते अर्गल जी। अखिलेश जी मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी भाई, अखिलेश भैया का मैसेज आया कि गलती से मैं मिस्टेक हैंड रेज हो गया था। अच्छा नहीं, उन्होंने तो मैसेज दिया वो दिया कि गलती से हमारा म्यूट हो गया। जी म्यूट हो गया का मतलब उन्होंने अपनी तरफ से म्यूट कर दिया होगा, पर ठीक है हम लोग वेट करेंगे अगर उनका कोई प्रश्न होगा तो। एक प्रश्न अभी हम लोग और ले लेते हैं, उसके बाद मैं जो समअप करने का काम कर रहा था उसको कर दूंगा। ऐसे समअप हो गया है बार बार, लेकिन फिर भी एक लास्ट वो कर दूंगा मैं। खरे जी को अगर पूछना हो कुछ, ठीक उनका हैंड भी हो गया है। मृणालिनी जी को पूछ लेता हूँ। जी बताइए। जी भैया नमस्ते। पहले मृणालिनी जी को पहले सुन लेते हैं फिर लौट। अच्छा बताइए खरे जी, बताइए। हाँ यद्यपि मैं शायद बेसिक क्वेश्चन पूछता हूँ क्योंकि मैं पिछले 3 दिन से ही ज्वाइन कर रहा हूँ। जी जी, हमने कहा स्वयं से स्वयं को देखना, तो एक स्वयं तो ठीक है कि हम चैतन्य की कॉन्शियसनेस की बात कर रहे हैं, दूसरे स्वयं से क्या हम बॉडी जिसमें हमारा इमेजिनेशन चल रहा है उसको देखने की बात कर रहे हैं? नहीं, हम लोग तो एक स्वयं की बात कर रहे हैं जो पूरा चैतन्य है, जिसको आपने कहा भी है ना। जी दूसरा चैतन्य में भी एक दृष्टा होना है जी। तो दृष्टा की जगह से हम बाकी पूरे चैतन्य को देख रहे हैं। ओके ओके भैया, तो ये दोनों ही सेल्फ की बात है, इसमें अभी शरीर को हम लोग ला ही नहीं रहे। ओके ठीक है। एक और प्रश्न था, यद्यपि हो सकता है कि ये अभी यहाँ पर रेलेवेंट नहीं हो, अभी आपने कहा कि हम पिछले कई जन्मों के संस्कार को लिए हैं, तो इससे एक प्रश्न खड़ा होता है कि क्या जरूरी है कि अगर हम इस बार मानव योनि में है तो हम पिछले बार भी मानव योनि में ही रहे होंगे? देखिए मेरे हिसाब से हम मतलब अभी इमीडिएटली वो प्रश्न महत्वपूर्ण नहीं है। जी जी, हम ये कह रहे हैं कि आज के अगर दिन देखें तो हमने बहुत सारे संस्कार इकट्ठे कर रखे हैं, बहुत सारा भाव विचार हमारे में चल रहा है जी। और उसी के आधार पर हम सुखी दुखी हो रहे हैं। ये तो चीज है जो हम सीधा सीधा ऑब्जर्व कर सकते हैं जी जी। इसको अभी हम लोगों ने एक सर यात्रा में किया या अनेक सर यात्रा में किया है ना, इसको अभी खुला रख सकते हैं। फिर इस शरीर यात्रा में तो हम मनुष्य की तरह है, पहले भी थे कि नहीं थे, इसको भी हम खुला रख सकते हैं। मुख्य प्रश्न तो यह है कि जो भी कुछ इकट्ठा हुआ है वो आज के दिन तो है ही अपने पास, और जो है वही हमको परेशान कर रहा है तो उसी को ठीक कर लें। तो इसलिए वो मुद्दा मेरे लिए अभी इमीडिएटली जो है इम्पोर्टेंट नहीं है, बट जब हम अपने को देखना शुरू करेंगे और ठीक से देख पाएंगे तो जरूरत होगी तो इसको ट्रेस भी कर लेंगे, पुराना क्या रहा, कैसे हुआ, कैसे हमने इकट्ठा किया। थैंक यू, लेकिन अभी उसको नहीं करते। जी बिल्कुल, मुझे भी लग रहा था कि यहाँ पे हनी बस एकदम दिमाग में आया तो मैंने पूछा कि छोटा की पूछते। थैंक यू भैया, ठीक बात, ठीक जी, प्रणाम जी। मिलानी जी बताइए। जी प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम जी, सभी को नमस्ते सर। एक्चुअली ये आपसे कई दिनों से प्रश्न पूछना चाहते थे कि अभी काफी अच्छा चल रहा था जो अभ्यास अभी कर रहे हैं, बल्कि हम 2009 से जुड़े हुए हैं, इससे इतना मेरा वो पहले इतना नहीं गति बन पाया था सब देखने समझने का। लेकिन अभी घटना का उल्लेख हम नहीं करेंगे, हम व्यक्तिगत रूप से आपसे बात कर लेंगे घटना के बारे में, लेकिन कुछ ऐसा मतलब हुआ जिससे कि कुछ
ऐसे होता था कुछ बाहर से ट्रिगर, तो हम उसको इमीडिएट अपने भाव का वो कर लेते थे जो अभ्यास के अनुरूप, लेकिन अभी कुछ ऐसा हुआ जिससे कि थोड़ा सा कॉम्पेरेटिवली हम थोड़ा ज्यादा अधिक समय तक चले गए दुख के भाव में। तो मेरा प्रश्न आपसे ये है, और उससे अपने अंदर एक ग्लानी भी मतलब हो रही है, और एक लोगों का भी, परिवार वालों का भी मेरे ऊपर लेवल है कि हम गणेश बागेड़िया सर की शिष्या है, तो मेरे में अधिक वो होना चाहिए, कॉम्पिटेंसी होना चाहिए, जबकि आपका ऐसा कुछ नहीं है, आप किसी को शिष्य नहीं बना रहे हैं, आपका है कि हमारी बात को सुन लीजिए, आपको ठीक लग रहा है जीवन में उतार के देख लीजिए, और हमारा काम तो 10% ही है, आपका काम 90% है। तो इससे मेरे अंदर में ग्लानी भी हो रही है। तो आपसे मेरा प्रश्न ये है, संशय ये है कि क्या हम बाहर से अपने को नियंत्रण कर रहे थे, नया इस काम को कर रहे हैं तो पुराने अभ्यास में चले जाते हैं, फिर हमने ये मान लिया था कि एक दो दिन या एक महीने हमने किया तो सब ठीक हो गया, तो इस वजह से दुख है। तो ये हाँ, हालांकि मेरा काम करने का उत्साह कम नहीं हुआ है, लेकिन अपने में एक है उस तरह से, तो ये इस पर शंका बनी हुई है। हम फोन भी लगाए लेकिन आप वर्कशॉप ले रहे थे तो नहीं हो पाया। घटना की चर्चा हम व्यक्तिगत रूप से कर लेंगे आपसे फोन करके, तो ये संशय है, इसके कारण थोड़ा सा जी। देखिए ये प्रोसेस तो चलेगा भी लंबा जी, तो अभी भी जो चर्चा हो रही थी कि जितना कुछ हमारा संस्कार इकट्ठा है और हम लौट लौट के अपने संस्कार की जगह पर जीने में आ जाते हैं, दृष्टा की जगह पर बने नहीं रहते हैं, तो जब भी हम संस्कार की जगह पर लौट कर आएंगे तो जैसे संस्कार होंगे उसके आधार पर हमारा काम चलना शुरू हो जाएगा। अगर किसी समय कोई अच्छा संस्कार, सही संस्कार जगह है तो उसके अर्थ में सही भाव विचार चलेगा, हम सुखी रहेंगे। कोई जो है ऐसा संस्कार जग गया जो सही नहीं है तो उसके साथ हमारा भाव विचार गलत होगा, हम दुखी रहेंगे। और इतने इकट्ठा है हमारे अंदर के संस्कार के हमको पता ही नहीं है ना, और उसमें भी क्या बहुत सारे लेयर्स हैं, एक परत दर परत चीजें हैं उसमें। तो जब हम बहुत होश पूर्वक काम करना शुरू करते हैं तो जो सबसे ऊपर की जो सतह होती है, लेयर होती है, उस पे काम शुरू होता है ना, उस लेयर के जो संस्कार हैं उनकी सफाई हो जाती है तो हमको बहुत आराम लगता है कि चलिए बहुत अच्छा हो गया, हल्का हो गया सब, है ना। लेकिन ये जो पहले लेयर की सफाई हो गई, वहां से आराम मिला, उस पे काम रुकता नहीं है। ये हमारा स्वभाव है कि हम सबको सफाई करना चाहते हैं, तो फिर आप दूसरे लेयर पर बात चली जाती है, वहां भी बहुत सारे संस्कार हैं। अब उसमें से कुछ छिड़ गया अगर संस्कार और हम वहीं पर जीने के लिए चले गए तो फिर हम परेशान होते हैं। और दो परेशानी होती है, एक तो वहां पे प्रॉब्लम जो हो रही है ना, गलत संस्कार के जागने पर जो भाव विचार बिगड़ रहा है उसका दुख है, और दूसरा ये भी एक संस्कार है हमारा कि चीजें एक बार ठीक हो गई तो नहीं बिगड़नी चाहिए, तो उसके कारण प्रतिक्रिया कर रहे हैं, उसका भी एक दुख है। तो अभी करना क्या, अपने को ये बात स्पष्ट रखनी है कि भाई बहुत सारा इकट्ठा किया बेहोशी में, अब होश पूर्वक जब हम देखने जाएंगे तो परत दर परत चीजें दिखेंगी, परत दर परत उसकी सफाई होगी, है ना, और इस पूरी प्रक्रिया में समय तो लगेगा ही। तो हम क्या करें, हम तो दृष्टा की जगह पर बने रहें और उसको देखते रहें, इसका मूल्यांकन करते रहें, सिर्फ इतना ही करना है। हम देखेंगे और मूल्यांकन करेंगे तो धीरे धीरे जो सही है, जो सहज है, सुखद है, उसकी निरंतरता होने लगेगी, जो असहज है, दुखद है, वो विदा होने लगेगा। क्योंकि ऐसे भी हम दुख को तो स्वीकारते ही नहीं है, बस इतना ही कि उसके प्रति होश में नहीं थे तो हम बेहोशी में उसको इकट्ठा कर रहे थे। होश पूर्वक जब देख लेंगे कि ये ऐसा भाव है जो सहज नहीं है, सुखद नहीं है, तो क्यों उसको बनाए रखेंगे। आप जो लोग बहुत सारा सोना चांदी इकट्ठा किए रहते हैं ना, उसको ये लगता है कि भाई ये सब इससे जो है हमको सुख मिल जाएगा। अगर ये दिखने लगे कि इसी के कारण हमको दुख हो रहा है तो कोई रखेगा क्यों उसको। जिस क्षण ये दिख जाए कि इसके कारण हमको दुख होने वाला है,
उस समय क्यों उसको हम रखेंगे, क्यों ढोएंगे? ढो इसीलिए रहे हैं क्योंकि हमको लगता है कि उससे सुख मिलेगा। तो ये जो भाव हम बनाए हुए हैं, संस्कार बनाए हुए हैं, उससे हमको लगता है कि हमको सुख मिलेगा। जब ये दिख जाए कि इससे सुख नहीं मिलने वाला, इससे तो दुखी मिलने वाला है, तो अपने आप ही ड्रॉप हो जाता है, आपको ड्रॉप करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। बट ये सब देखने में, मूल्यांकन करने में, है ना, जो सही है उसकी निरंतरता होने में, जो सही नहीं है उसके गिरने में समय तो लगेगा। इसीलिए बार बार धैर्य की बात होती है। धैर्य रखने का मतलब यही है कि हमको ये दिख जाए, है ना, कि क्या सहज है सुखद है, क्या सहज नहीं है सुखद नहीं है, तो जो सहज है सुखद है उसकी निरंतरता होने लगेगी, जो ऐसा नहीं है उसको गिरने लगेगा। बट इसमें समय तो लगेगा ही, क्योंकि बहुत सारा इकट्ठा है अभी हमारा। तो हम जो इकट्ठा में जो कुछ एक्टिव हो जाता है और उसमें हम गिर पड़ते हैं, नदी में कूद पड़ते हैं, वो हम ना कूदें, इसके लिए धैर्य चाहिए कि ये एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत चीजें होंगी और उसमें समय लगेगा, और लगने देते हैं अपने को जल्दी भी क्या है। कोई फिल्म चल रही है, हम देख रहे हैं उसको, हम फिल्म के साथ आइडेंटिफाई नहीं होते हैं तो फिर क्या प्रॉब्लम, आइडेंटिफाई हो जाते हैं तो प्रॉब्लम है, और आइडेंटिफाई हो गए का मतलब दृष्टा के जगह पर नहीं रहे हम, ये प्रॉब्लम है, उसके कारण दुख हो रहा है। दृष्टा की जगह पर अगर आप बने रहते तो बाकी पर्दे पे कुछ भी चल रहा है क्या मुश्किल चले। है कि नहीं, हम प्रतिक्रिया करना शुरू कर देते हैं, ये समस्या है। और प्रतिक्रिया करना शुरू की है क्या मतलब हम दृष्टा की जगह पर है नहीं, वहां से नीचे आ गए, संस्कार की जगह पर आ गए, भाव की जगह पर आ गए, विचार की जगह पर आ गए, और वहां तो सब बहुत सारा इकट्ठा है, अच्छा गलत। ठीक लग रही है आपको ये बात? नारायण जी का नेटवर्क लगता है डिस्कनेक्ट हो गया है। जी सर, हेलो, मेरी आवाज आपको सुनाई पड़ी? मुझे लगता है आपका नेटवर्क बीच में डिस्कनेक्ट हो गया। जी, उस समय से आपकी सारी बात मैंने सुनी है। तो सर वही पूछना चाह रहे हैं कि यदि बाहर से उसको नियंत्रण किए रहते कुछ सूचना के रूप में सुन करके, तो फिर तो अभी तो मैं देख रही हूँ कि सजगता अधिकता बनी रहती है, वो मैं आपको कोई गलत सूचना नहीं दूंगी अपनी बात। तो यदि बाहर से उसको नियंत्रण किए रहते तब तो इसके प्रति तो इसलिए नहीं, आपकी आवाज कट जा रही है। जी सर, आप आ रही है? नहीं, आवाज कट रही है, बात पूरा शब्द भी सुनाई नहीं पड़ रहा है। सर मैं कोशिश करती हूँ, अभी सुनाई दे रहा है? जी अभी दे रहा है। नहीं नहीं, कट रहा है, कट रहा है। ठीक है, मैंने तो आपके प्रश्न का एक तरह से रिस्पॉन्ड कर दिया है, फिर हम लोग को फोन पे बात करनी पड़ेगी, क्योंकि आपका पूरा बात मतलब शब्द तो वाक्य भी तो सुनाई नहीं पड़ रहा है, शब्द भी पूरा सुनाई नहीं पड़ रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, ठीक ठीक है। मैं ऐसा करता हूँ कि 10 मिनट में इस बात को मैं अपनी तरफ से समाप्त कर देता हूँ। कोई प्रश्न रह गया है जिसको मुझे रिस्पॉन्ड करना है तो मैं कर दूंगा, उसके बाद कुमार जी हैं उनको मैं हैंड ओवर कर दूंगा। ठीक है, दो प्रश्न अभी हमको दिख रहे हैं इसमें, एक तो एक हैंड रेज है गीता जी का और एक विजय पाटे जी का। तो हिंदी में अगर गीता जी को कोई प्रश्न पूछना है तो पूछ सकती हैं। भैया नमस्ते भैया, सॉरी भैया, आई नो ओनली इंग्लिश भैया, नो इश्यूज भैया, कोई बात नहीं, देन शर्मिला जी विल रिस्पॉन्ड टू यू टुमारो। एक्चुअली आई वाज हैविंग अ शेयरिंग भैया, but no issues भैया, thank you so much भैया। yeah ठीक है, तो विजय पाटे जी को हम लोग सुन सकते हैं।
जी सर जी नमस्कार। ये थोड़ा सा जो दूसरे भी रिफ्लेक्शंस आते हैं उसके ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ कि शरीर और आप चैतन्य की बात करें, एक दो एक्सट्रीम एंड हो गया। जैसे हम लोग अगर अन्नमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश की बात करें तो इन बिटवीन देर आर अदर थिंग्स ऑल्सो, मतलब बाकी भी चीजें है बीच में, तो उनको कैसे ध्यान दे, उनको कैसे सुनिश्चित करे, उनको कैसे रेगुलराइज करे। देखिए ये जो पांच चीजें आपने बताई ना, पांच कोश के बारे जी, इसमें अन्नमय कोश और प्राणमय कोश को देखेंगे तो शरीर का भाग है वो जी, और मनोमय कोश, आनंदमय कोश और विज्ञानमय कोश को देखेंगे तो वो मय का भाग है। ठीक है ना। तो वो दोनों की बात तो हम लोग करते ही हैं अलग अलग। अभी जैसे अभी हम लोगों ने बात किया ना कल्पनाशीलता को देखना, ठीक है ना, ये सारे को मन का है। ठीक, तो उसी में तो कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है ना, मन जो हम स्वयं को जो देख रहे हैं, स्वयं में अगर हमारे पास में ऐसे कोई विचार है जो बाधा दे रहे हैं हमारे में, हमारे राइट अंडरस्टैंडिंग को अफेक्ट कर रहे हैं, तो उनको कैसे आप दूर करेंगे। वही तो बात ही हो रही है, अभी जो भाव विचार को फैलाते हैं आप, वो मन है आपका। ये जो भाव वाली जगह है वो आनंद वाली बात है, ये जो समझने वाली जगह है ना, और अल्टीमेटली शुद्ध दृष्टा की जगह पर होने वाली जो जगह है उसको विज्ञान में कोष का है। ठीक है ना। तो अभी हम ये कह रहे हैं कि हम ज्यादातर समय तो मनोमय नहीं जीते हैं, मन के स्तर पर जीते हैं, वहां पर बाहर के प्रभाव में जीते हैं, तो उथल पुथल बना रहता है। जी जी जी। वहां से गति करके भाव के स्तर पर चले जाएं तो बेटर हो सकता है। जी। भाव को ठीक कर लें तो आप सुखी हो सकते हैं, ये आनंद में कोष है। लेकिन भाव को ठीक करने के लिए सही को देखना, क्या सहज है क्या असहज है, क्या सही है क्या गलत है, इसको देख पाना जरूरी है। उसके लिए दृष्टा की जगह पर जाना जरूरी है, तो वह विज्ञान में कोश। ज्ञान और विज्ञान को सुनिश्चित करना जरूरी है, उसके आधार पर भाव को ठीक करना जरूरी है, उसके आधार पर अपने विचारों को ठीक करना जरूरी है। तो ऊपर से चलेंगे तो विज्ञान में कोश या ज्ञान में कोश और विज्ञान में कोश एक चीज अगर माने तो उसको ठीक करना होना जरूरी है पहले। उसके आधार पर आनंदमय कोश ठीक होना जरूरी है, उसके आधार पर मनोमय कोश ठीक होना जरूरी है, उसके आधार पर प्राणमय कोश जो है शरीर के लेवल पर सांस को ठीक करना जरूरी है, उसके साथ पूरा शरीर का जो फिजिकल वर्ल्ड है उसको ठीक करना जरूरी है, वो अन्नमय कोश। ठीक है ना। तो इसको आप पांच लेवल पर देखें या दो लेवल पर पहले देख लें, शरीर और मय के स्तर पर। और मय के दो लेवल पे देखने से थोड़ा सा डिफरेंस ये आ जाता है, क्योंकि आप आनंदमय कोश को जब तक समझेंगे नहीं तब तक आपको जो मनोमय कोश में चीजें जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है वो समझ में आना चाहिए। विज्ञान में कोश तो अंडरस्टैंडिंग है ना, तो बाकी तो अगर अंडरस्टैंडिंग सही हो जाती तो मनोमय को आपको रेगुलेट करना आसान हो जाएगा। आनंद तो ऑटोमेटिकली आना है ना, अपने आप वो आ जाएगा उधर में। ठीक है ना। देखिए मुझे लगता है कि हमको ये फिर फिक्स करना पड़ेगा कि आनंद में हम किसको कह रहे हैं, है ना, और विज्ञान में किसको कह रहे हैं। वो अच्छा, अगर आप क्लियर कर दें तो फिर आगे चले हम। ज्ञान मतलब जो जो आपको ज्ञान से प्राप्त हो रहा है, जो यूनिवर्सल है, उसे आप ज्ञान में कहेंगे। हाँ, हम तो उसको कह रहे हैं ज्ञान में। अच्छा, उसको आप ज्ञान में कह रहे हैं। हाँ, बट ठीक है, वो मुद्दा नहीं, नाम किसको क्या दे रहे हैं, मुद्दा ये है कि आपको ज्ञान होना जरूरी है, सही समझ आना जरूरी है, क्या सहज स्वीकार है ये देखना जरूरी है, ये है कि नहीं। ये तय हो गया, जो सहज स्वीकार है वो हमको दिख गया तो वैसा भाव होना जरूरी है कि नहीं है। फिर भाव सही हो गया तो उसके अर्थ में विचार करना जरूरी है कि नहीं। ये तीन है, इसको नाम दे दीजिए कुछ भी, आप एक्स वाई जेड नाम दे दीजिए, कुछ भी नाम दे दीजिए। ना, बात इतनी है। और इतना काम कहाँ होना है, ये सब काम सेल्फ में होना है, मय में होना है, चैतन्य में होना है। ये हो गया तब हम शरीर पर जब ध्यान देंगे तो पहला काम ये करेंगे कि शरीर में जो प्राण है, सांस जो चल रहा है, पहले सांस को व्यवस्थित करेंगे।
अभी तो सांस ही ज्यादातर समय हमारा फूलता रहता है जी, हम आवेश में रहते हैं तो शरीर को उल्टा पुलटा इंस्ट्रक्शन देते रहते हैं तो सांस फूलता रहता है हमारा, इरेगुलर हो जाता है, असंतुलित हो जाता है जी। पहले सांस को ठीक कर लेंगे ध्यान देके, फिर पूरे शरीर को ठीक कर लेंगे। तो ये जब हम सांस पे ध्यान दे रहे हैं तो प्राण की बात है, शरीर पूरे शरीर के स्थूल पर ध्यान दे रहे तो अन्नमय की बात, नाम उसको कुछ भी दे दीजिए। शरीर का अन्न प्राण और अन्नमय का तो क्लियर है मेरा, मेरा अंडरस्टैंडिंग जो ओनली था जो मनोमय और ज्ञान में आनंद में, हम उसको दूसरी तरफ से शुरू करेंगे। आपको कल्पना चिंता को ठीक रखना जरूरी है कि नहीं? कल्पना चिंता को ठीक करने के लिए भाव ठीक होना जरूरी है कि नहीं, क्या लगता है जी? कुछ चीजें जो होती है ना, जो जो जब हम लोग मतलब ये होता है कि मुझे कोई कोई अगर कोई आनंद दे रहा है, वेदर दैट इज यूनिवर्सली अप्रूव्ड और अप्लीकेबल, वो छोड़ के अगर मैं सेल्फ सेंट्रिक हो जाता हूँ, स्वय केंद्रित हो जाता हूँ, तब हो सकता है शायद मेरे में कुछ कॉन्फ्लिक्ट आ जाए और मैं सही बीच में ला ही नहीं रहे ना। हम तो पहले कह रहे कि आपका है विचार ठीक होना जरूरी है कि नहीं, कल्पना चिंता ठीक होना जरूरी है कि नहीं अपने में। एक प्रश्न ये है, दूसरा ये कि कल्पना चिंता ठीक चले उसके लिए भाव ठीक होना जरूरी है कि नहीं, और तीसरा कि भाव ठीक हो उसके लिए ये जरूरी है कि नहीं कि हमको दिख जाए कि कौन सा भाव सहज है कौन सा भाव असहज, ये समझ में आ जाए। तो इन तीन स्तर पर काम होना जरूरी है जी, कितना स्पष्ट हो जाए इस पर काम होने लगे फिर आप इसको नाम कुछ भी दीजिए जी, है ना। जो परंपरा में नाम दिया गया है उसको, वो सबसे नीचे वाले को मनोमय कहा है, उससे ऊपर वाले को आनंदमय कहा है, उससे ऊपर वाले को विज्ञानमय कहा है, ठीक है ना। बट नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, आपके ऊपर दिखाई पड़ना चाहिए कि मामला क्या है, हमको अपने पे करना है अपने में करना क्या है। ठीक बढ़िया है, इस पर विचार जारी रखते हैं, है ना। ठीक है, शिवदासन जी को सुनते हैं जी। शिवदासन जी स्वामी जी प्रणाम, सभी को नमस्ते। हर एक दिन मतलब अपने अपने अपना भाव सुधर जा रहा है, भाव बहुत मतलब क्लैरिफाई हो रहा है, स्पेशली टुडेज अंग्रेजी सेशन में दो तीन मुद्दा बहुत बहुत बाथरीन तरफ से समझ में आ गया। मैं भी ये जर्नी में हूँ, रेगुलरली कर रहा हूँ एक्सरसाइज अपने अपने पर, एंड सेल्फ के साथ ही सेल्फ के साथ ही रहना चाहता हूँ। मेरे को दो प्रश्न है आपसे, आपसे रखने के लिए। एक तो है कि ये सेल्फ रिफाइनमेंट का जो जर्नी पर हम लोग जो एक्सरसाइज करते रहते हैं फॉर मोर देन एन ईयर, उसमें जो लोअर साइड हो अपर साइड हो, मेरे को ऐसा लग रहा है कि कभी कभी मेरा जो कमिटमेंट है, कमिटमेंट टू माय बॉडी, मेरा शरीर पर मेरे को जो कमिटमेंट है,
मेरा रिलेशंस पर मेरे को जो कमिटमेंट है, मेरा करियर को, करियर पर मेरे को, मेरा करियर पर मेरे को जो कमिटमेंट है, ये सब है ना, ये ओवरटेक करता है मेरे को, मतलब मेरा फीलिंग को, मेरा जो डिसायर थॉट एक्सपेक्टेशन में, मेरा माइंड 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 से माइंड माइंड से ओवरटेक करता है, आउटशाइन करते है, कर रहा है। इसलिए मेरे को जो मेरा समझ सोच समझ सब है कि ए सेल्फी सेल्फ ही सेंटर है, बट उसके लिए हम लोग उतना ध्यान दे नहीं पाता है। मेरा डिसायर क्या है, मेरा थॉट क्या है, अपना डिसायर क्या है, अपना थॉट क्या है, अपना एक्सपेक्टेशन क्या है, वो पकड़ने के लिए, वो झांझने के लिए भी अवसर जो जो अवसर हो, जो मौका हो, जो बिल्कुल कम परसेंटेज में मिलता है। ज्यादा ज्यादा टाइम हम लोग जो कमिटमेंट इज ओवरटेकिंग द फीलिंग, तो ये दिस इज वन प्रॉब्लम आई एम फाइंडिंग, इवन दैट इज वन थिंग। तो ये कमिटमेंट नो, इट इज ओवरटेकिंग माई अदर feelings, like no, my things related to related to self. दूसरा अभी तक क्या किए हम लोग कि बाहर की चीजों को महत्वपूर्ण माने हैं तो वहां ध्यान जा रहा है। अगर ये धीरे धीरे दिखने लगेगा कि मैं महत्वपूर्ण हूँ तो अपनी तरफ ध्यान आएगा। तो हमको तो मेरा जॉब तो रिजाइन करना पड़ता है, फिर मेरे को सन्यासी बनना चाहिए। रिजाइन करने की कोई हलचलती नहीं है, डिजाइन करने की कोई जल्दी नहीं है। अभी सिर्फ ये दिखने लगे कि मैं महत्वपूर्ण हूँ तो जॉब करते समय भी ध्यान हमारा सेल्फ पे रहेगा। ये जो बात मैंने अभी कंक्लूड किया वो ये किया कि हर क्षण ध्यान तो सेल्फ पे बना ही रहेगा, उसके साथ आवश्यकता अनुसार बाहर भी ध्यान देंगे। तो जॉब में जितना बाहर ध्यान देने की जरूरत है उतना बाहर ध्यान देंगे, उसमें क्या है, उससे सेल्फ से ध्यान हटाना जरूरी नहीं है, सेल्फ पर ध्यान रखते हुए ही बाहर ध्यान देंगे। अभी जो गड़बड़ी ज्यादा होती है वो तो इसलिए होती है कि सेल्फ पर ध्यान रखते हुए बाहर ध्यान देने का काम ना करके बाहर को हम इतना महत्वपूर्ण मान लेते हैं कि सेल्फ से ध्यान हटाकर बाहर ध्यान देते हैं, जो जरूरी नहीं है। सेल्फ पर ध्यान बनाए रखते हुए बाहर ध्यान देंगे तो बाहर हम ज्यादा अच्छा कर पाएंगे। इसी तरह से शरीर के साथ है, अगर सेल्फ पर ध्यान बना हुआ है और सेल्फ हार्मनी में है तो सेल्फ जो पहला काम करता है वो यह है कि सांस को व्यवस्थित रखता है। अभी जो बात हो रही थी ना, अच्छा, सांस प्राण को व्यवस्थित रखता है, जो बहुत आसान काम है सेल्फ के लिए, और प्राण को व्यवस्थित रखता है तो उसके माध्यम से फिर शरीर को व्यवस्थित रखना बहुत आसान हो जाता है ना। सेल्फ अगर हार्मनी में है तो स्वाद के लिए शरीर को ज्यादा नहीं खिलाता है तो इंडाइजेशन नहीं होता है ना, क्योंकि सारा बीमारी तो शुरू होता है इंडाइजेशन। यू आर ईटिंग समथिंग विच यू आर नॉट एबल टू डाइजेस्ट टू द बॉडी, सो इट इज एक्युमुलेटिंग इन द बॉडी एंड देन इट क्रिएट्स ऑल काइंड ऑफ यू नो दोसेस। तो अगर सेल्फ ठीक है और ठीक रहते हुए ध्यान दे रहा है तो शरीर को स्वस्थ रखना एक बहुत आसान काम है, क्योंकि शरीर तो ऐसे भी उसकी जो हार्मनी है शरीर की अपनी जी, उसी के तहत शरीर ठीक हो रह सकता है अनलेस आई डिस्टर्ब इट। तो अगर मैं हार्मनी में हूं तो मैं शरीर की हार्मनी को क्यों डिस्टर्ब करूंगा, मैं तो उसको फैसिलिटेट ही करूंगा। और वो फैसिलिटेट होने करने का तीन काम बताया मैंने अभी, कि उसको नर्चर करेंगे, उसको प्रोटेक्ट करेंगे, उसको राइटली यूटिलाइज करेंगे। इन तीन काम के लिए अगर हम बॉडी को प्रयोग कर रहे हैं तो बॉडी एकदम स्वस्थ रह सकता है, ऑलरेडी अपने बनावट से ही स्वस्थ है वो। हम उसको फैसिलिटेट करने के बदले, हेल्प करने के बदले हम उसको डिस्टर्ब करते जी। जब आप सेल्फ टेंशन में रहता है तो बॉडी को बहुत सारा खिला देता है, ओवर ईटिंग करा देता है, अब बॉडी के लिए लायबिलिटी हो गया जी। सेल्फ टेंशन में रहता है ना, तो बॉडी को का जो ब्रीदिंग है उसको इम्बैलेंस कर देता है, तो ब्लड प्रेशर हो जाता है।
ये सब तो हम शरीर को ठीक से नहीं ध्यान दे रहे हैं और ध्यान देते समय हम खुद ही ठीक नहीं है, इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है। अगर हम ठीक रहते हुए बॉडी पर ध्यान देंगे आवश्यकता अनुसार, तो बॉडी तो अपना एक व्यवस्था से चल ही रहा है, हमको सिर्फ उसको फैसिलिटेट करना है जी। उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। अभी हम डिस्टर्ब रहते हैं, हम उसको डिस्टर्ब कर देते हैं, फिर हमको लगता है कि शरीर में रोग हो गया इसलिए हमको बहुत ध्यान देना पड़ रहा है। ऐसा नहीं है, हमने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए या शरीर अपने ढंग से जो स्वस्थ रह सकता था उसको फैसिलिटेट करने के बदले हम अपना ट्रेवल को उसमें ट्रांसफर कर दिया जी। अभी तो लोग बता ही रहे हैं कि ज्यादातर डिजीज तो साइकोसोमेटिक है जी। साइकोसोमेटिक का मतलब यही है कि प्रॉब्लम ऑफ द सेल्फ इज ट्रांसफर टू द बॉडी जी। तो हम हारमोनी में नहीं थे इसलिए हम प्रॉब्लम क्रिएट किए बॉडी के लिए। अब हमको लगता है कि बॉडी के ऊपर बहुत ध्यान देना पड़ रहा है जी। इसी तरह से बाहर सुविधा का जो आवश्यकता है उसको अगर हम ठीक से नहीं पहचाने हैं तो हम बहुत सारा सुविधा इकट्ठा करने में लग जाते हैं, है ना, और हम अपने को व्यस्त कर लेते हैं उसमें। तो हमको जो जी मैं कुछ बोलूं? हाँ बोलिए ना। हमको जो है अरेक अरेक आदमी को हम लोग जो पोटेंशियल का बारे में कॉम्पिटेंसी के बारे में तो भी बहुत मतलब छांछा है, जांच लिया है कि बट नो बियॉन्ड अवर बॉडी के बाहर नो अपन हमारा मेरा सेल्फ मेरा बॉडी का जो बियॉन्ड जो कैपेसिटी कॉम्पिटेंसी से बियॉन्ड कुछ आ रहा है मेरे मेरा मेरा लाइफ में मेरा करियर में तो उसको सबको मैं छोड़ दूं। मैं यही कह रहा हूँ क्या करेंगे बियॉन्ड कैपेसिटी लेने का लेकर, जरूरत है तो उसको सोचिए, नहीं जरूरत है तो क्यों लें। अभी कुछ जॉब करना है तो क्लास में जाना है तो मैं बोर्ड पर लिखने का ताकत तो होना मांगता है, देखने के लिए आंखों तो आई साइड तो होना मांगता है, बोलने के लिए भाषा तो मालूम पड़ना चाहिए। इसको अगर हम सेल्फ में स्वस्थ है ना तो शरीर को स्वस्थ रखना बहुत आसान काम। इसी तरह से बाहर सुविधा का जो आवश्यकता है उसको पहचानना भी आसान काम है, उससे अधिक सुनिश्चित करना भी आसान काम है। लेकिन जब हम अव्यवस्थित हो जाते हैं, है ना, हम जो है डिस्टर्ब हो जाते हैं अंदर, फिर ये शरीर को ठीक रखना भी बड़ा मुश्किल काम है, बाहर भी चीजों को ठीक रखना बहुत मुश्किल काम है। अभी देखिए हम क्लास में जाकर पढ़ाते हैं, है ना, अच्छा अगर हमारा सेल्फ ठीक है तो पहला काम हम ये करेंगे कि बच्चों के साथ हमारा रिलेशनशिप ठीक होगा। ठीक, बच्चों के साथ रिलेशनशिप ठीक है तो पढ़ाना तो इट्स ए वेरी जॉयफुल प्रोसेस जी। क्या मुश्किल है, पढ़ा सकते हैं इसमें क्या। अभी हम लोग पढ़ा रहे हैं, हम लोग तो जो वर्कशॉप चलाते हैं वो जो फेस टू फेस वर्कशॉप होता है वो करीब करीब 12 से 14 घंटा चलता है जी। ठीक है, बाकी लोग कहते हैं कि क्लास जो है 15 मिनट से ज्यादा का नहीं होना चाहिए क्योंकि अटेंशन टाइम लोगों का 5 मिनट होता है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ठीक है। इसके बारे में एक और थोड़ा ऑनलाइन काम कर रहे हैं, एक दूसरे को कभी मिल भी नहीं रहे हैं, है ना, लेकिन पिछले एक साल से रोज सुबह 2 घंटा हम लोग समय लगा रहे हैं साथ साथ जी, है ना, साल भर से भी ज्यादा हो गया। 6 जून को हम लोगों ने शुरू किया था। मेरे, तो आप मेरे को इस पर एक्सप्लोर करने के लिए और थोड़ा टाइम दीजिए, मैं आपसे फर्दर पूछूं, मतलब बिल्कुल 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 ठीक बात। दूसरा एक सवाल मेरे पास है कि ये ऐसा है कि हम लोग जो मैं तो सेल्फ 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 से सेल्फ रिलेटेड है, मेरा सेल्फ इज रिलेटेड टू एवरी अदर सेल्फ एवरी अदर जो यूनिट्स, ये तो क्लियर है, उसमें कोई डाउट तो नहीं है, कोई क्लैरिटी कोई कंफ्यूजन भी नहीं है, बहुत क्लियर है, बेहतरीन तरफ से वो साफ सुधर है। बट मेरे को ये आप इन ये भी हम लोग को बता दीजिए कि जैसा सेल्फ जैसा शरीर को दूसरा शरीर से कोई रिलेशनशिप है क्या, मेरा शरीर से आपका शरीर से कुछ रिलेशनशिप है क्या, जैसा मेरा सेल्फ से आपसे सेल्फ जोड़ा है,
भाई साहब मेरा शरीर आपसे शरीर से जुड़ा है क्या कोई तरफ से? देखिए जुड़ा तो है ना, लेकिन अभी उस पर काम सीधा करने की हम लोग को जरूरत नहीं है। अच्छा, अभी तो हम अपने सेल्फ का बॉडी के साथ है ना जो रिलेशनशिप है उसको समझ लें, दूसरे सेल्फ के साथ जो रिलेशनशिप है उसको समझ लें, है ना, जो भी हमको उस बॉडी के लिए करना है वो सेल्फ को बता दें तो वो कर लेगा, है कि नहीं? वो ज्यादा डिसेंट होगा, नहीं तो हम दूसरे सेल्फ दूसरे बॉडी के साथ सीधा सीधा इंटरेक्ट करने की अगर कोशिश करेंगे देन आई विल क्रिएट लॉट ऑफ कंफ्यूजन। करेक्ट, ठीक है ना जी। तो उसको क्यों तो करें? आप ऐसा आपका एडवाइस ऐसा है कि उसका बारे में अभी सोचने का नहीं, वही है वही, ये सब चीजों पर धीरे धीरे ध्यान देंगे जब हम ज्यादा जिम्मेदार हो जाएंगे तब। अच्छा, अभी तो नहीं। हाँ, ज्यादा जिम्मेदार हो जाएंगे तब हम, ये दिखता है हमको कि हमारा रिलेशनशिप डायरेक्टली भी है। अच्छा। और हम उसको इन्फ्लुएंस कर भी सकते हैं, बट वो करना ठीक नहीं है। ठीक ठीक ठीक, है ना? अभी अभी उसको देख लेंगे तो हम उसी में इन्वॉल्व हो जाते हैं कि उसको ठीक करो, कंट्रोल करो जी, है ना, जिसकी जरूरत नहीं है। वो अगले एक सेल्फ की जिम्मेदारी में एक बॉडी है तो उसको करने देते हैं अपन, क्यों उसको हम इंटरफेयर करें जी, जी वो प्रोडक्टिव नहीं होता है इसलिए, राइट? एग्जैक्टली। तो अभी क्या है, जब तक हम ठीक नहीं हुए हैं तब तक उसको ध्यान देंगे तो वो हम हार्मफुल भी हो सकता है हमारे लिए, उसके लिए। ट्रू ट्रू। जब हमको ठीक समझ में आ जाएगा तब हमको दिखाई पड़ेगा रिलेशनशिप जी। और हमको ये भी दिखेगा कि हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन हमको ये भी दिखेगा कि क्यों करें कंट्रोल जी। समझ में आ गया, हम लोग सेल्फ टू सेल्फ एंड सेल्फ टू बॉडी वो सब करने के बाद हमको अगर लगता है तो हमको बॉडी टू बॉडी रिलेशनशिप पर ध्यान दे सकता। बॉडी टू बॉडी रिलेशनशिप और हमारा सेल्फ का दूसरे बॉडी के साथ रिलेशनशिप उसको देख सकते हैं, उस पर कुछ कर सकते हैं, लेकिन अभी उसको नहीं करेंगे तो ज्यादा अच्छा है जी। जी जी, समझ में। धन्यवाद, बहुत बहुत जी जी जी। प्रणाम प्रणाम, थैंक यू। नमस्ते नमस्ते। ठीक है, बताइए और कोई प्रश्न हो तो हम लोग करते हैं, नहीं तो फिर हम कुमार जी को हैंडओवर कर देंगे। ठीक है, पूजा जी को सुन लेते हैं। प्रणाम गणेश जी। प्रणाम प्रणाम। सभी को नमस्कार। एक शेयरिंग है कि अभी लास्ट 5 दिन से हमारे यहाँ ऑनलाइन प्रैक्टिकल वाइवा चल रहा था, तो जब मैं क्वेश्चन बच्चों से पूछ रही थी तो बच्चों के जो आंख और फेस, उससे मुझे ऐसे पता चल रहा था कि और वो बार बार पूछ रहे थे कि रिपीट करो क्वेश्चन, तो मुझे समझ रहा था कि वो नेट पे सर्च करके जवाब दे रहे थे, तो मुझे कुछ ऐसे विरोध का भाव आ रहा था कि मतलब टीचर्स को ऐसे उल्लू बना रहे हैं और हम मैं क्या कर रही हूँ जबकि बच्चे सब नेट पे ही सर्च कर रहे हैं और मैं मार्क्स दे रही हूँ। पहले तो मैं वो भाव से ऐसे बहती गई, पर फिर बीच में मुझे ऐसे ध्यान में आया कि मुझे तो सेल्फ पे कंसंट्रेट करना है और जो बच्चे कर रहे हैं वो उसकी उनकी प्री कंडीशनिंग है, जैसे मेरी भी होती है कि मैं भी बहुत बार गलत चीजें करती हूँ और कुछ भी हो वो रिलेशनशिप से ही मुझे सिचुएशन को के साथ डील करना है, बच्चों के साथ रहना है। तो मैंने ऐसे नोटिस किया कि उसके बाद के जब वो ध्यान आया तो उसके बाद के जो वाइवा के बच्चे थे उसके साथ काफी स्मूथली गया। मुझे दिख रहा था कि वो भी बच्चे ऐसे देख कर कर रहे थे, पर थोड़ा मैं मतलब जो फर्मनेस था और नो कभी कभी ऐसे वीडियो गेट्स वो फ्रीज होता है जब वो टैब चेंज करते हैं,
तो वो मैं अब इंसिस्ट किया कि यू यू नो वीडियो इज फ्रोजन और जब आई कैन सी यू देन ओनली आई विल आस्क अ क्वेश्चन और थोड़ा मतलब काफी स्मूथली गया और मैं भी थोड़ा कंफर्टेबल थी तो ये थैंक्स टू यूएचवी टीम और और मेरे कई सवाल हैं एक तो आजकल है ना मैंने ऐसे देखा है कि कभी कभी आई डोंट नो मैं ऐसे फीलिंग से इतनी ओवरवेल्म्ड हो जाती है कि आई जस्ट फील लाइक क्राइंग बट आई डोंट नो कि मुझे पता नहीं चल रहा है कि ये रोना क्यों आ रहा है तो फिर मैं जब अकेले में होती है तो उसको बहने देती है एंड देन फिर चार पांच मिनट के बाद वो खुद ही खुद रुक जाता है तो उस समय क्या हमें वो रीजन मतलब उसके बारे में क्यों हो रहा है उसको एनालाइज करना चाहिए कि ऐसे ही छोड़ देना चाहिए और मेरा दूसरा सवाल है कि जब मैं एकांत में बैठकर अपनी ये कल्पनाशीलता को देखती हूँ तो ऐसे कई बार ऐसे विचार आते हैं और ये जो विचार जब विचार आते हैं तो मैं कई बार उस मतलब मैं भूल जाती हूँ कि मुझे दृष्टा की नजर से देखना है तो जब ध्यान आता है कि दृष्टा के नजर से देखना है तो इमीडिएटली वो जो विचार है वो बंद हो जाते हैं कुछ समय के लिए कुछ सेकंड्स के लिए और फिर दूसरे विचार आते हैं और फिर मैं देखती हूँ फिर ध्यान देती हूँ फिर वो कुछ सेकंड्स के लिए बंद होते हैं और फिर थोड़े एक दो मिनट या ऐसा कुछ टाइम के बाद वो बहुत सारे अनकनेक्टेड विचार आते हैं मतलब जिसका कुछ लॉजिक नहीं है ऐसे ही एक चीज रैंडम दूसरा चीज रैंडम ऐसे विचार आते हैं और वो मैं देखती रहती हूँ और फिर अचानक से ऐसे जैसे हम ऐसे मुझे लगता है नींद आ जाती है कि क्या कि एकदम ऐसे मैं अचानक से ऐसे जैसे हम ट्रेन में सफर करते हैं और हमें नींद आती है तो ऐसे मैं अचानक से ऐसे उठ जाती हूँ तो मतलब मुझे ये समझना है कि एक्चुअली मैं क्या चल रहा है और ऐसे ही हमें कंटिन्यू करना है कि इंस्पाइट ऑफ ऐसा होता है फिर भी करना चाहिए कि ये क्या करना चाहिए और एक और लास्ट तीसरा सवाल है कि बहुत बार क्या होता है कि जो मेरा लॉज जो तर्क है और वो ऐसे दोनों साइड से इतना कोई भी डिसीशन लेते समय दोनों साइड से इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि उस समय डिसीशन किधर लेना और मैं ऐसे पूछती भी हूँ कि नेचुरली एक्सेप्टेड क्या है पर दोनों साइड इक्वली स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स देते हैं कि तुम्हारा ये पोजीशन है ये ड्यूटी है तो फिर ये नेचुरली एक्सेप्टेड है और दूसरा चीज बोलता है कि नहीं ये रीजंस है तो ये नेचुरली एक्सेप्टेड है तो उस समय क्या किया जाए आई होप गणेश जी मेरे सवाल क्लियर थे आई डोंट नो इफ आई एक्सप्रेस्ड इट प्रॉपरली जी मैं उसको ब्रीफली रिस्पॉन्ड कर देता हूँ तो जो पहली बात आपने कही वो तो बहुत स्वाभाविक है देखिए जो हमारे में जब भाव होते हैं ना तो भाव कई बार शरीर से भी व्यक्त होते ही हैं लेकिन हमने अभी तक मान लिया है जैसे आंसू के संदर्भ में है हमको लगता है कि दुख से ही आंसू निकलते हैं ऐसा नहीं है जो भाव हमारे अंदर है उसका एक अभिव्यक्ति है शरीर में है ना आंसू के रूप में
तो वो दुख के भाव के कारण भी हो सकते हैं, सुख के भाव के कारण भी हो सकते हैं। अभी चूंकि ज्यादातर परिचय हमारा दुख से रहा है, तो दुख वाले भाव के आंसू हमको पता है। अभी धीरे धीरे सुख वाले भाव के आंसू भी पता चलेंगे, तो अच्छी बात है। तो जो सुख का भाव हमारे में है, उसका जो अभिव्यक्ति शरीर में हो रहा है आंसू आंसू के रूप में, होने देते हैं, क्या है? अच्छा ही है। अभी तक तो सिर्फ दुख वाले का परिचय था कि दुख का आंसू। तो उसको व्यक्त हो जाने देना ठीक है। तो एक तो मुझे ये कहना है वाले वाले आपके प्रश्न के बारे में। दूसरे वाले में ये कहना है कि ये देखिए प्रक्रिया तो लंबी चलेगी, जो पहले भी अंग्रेजी में भी ये प्रश्न पूछा गया था, तो ये प्रक्रिया तभी लंबी चलेगी। अपने पर ध्यान देंगे, है ना, कुछ समय होश बना रहेगा, कुछ समय होश जो है खो जाएगा, जब होश खो जाएगा तो कुछ उल्टा पुल्टा चलने लगेगा। तो ये सब प्रक्रिया तो चलने वाली है, इसमें समय तो लगेगा ही, क्योंकि बहुत सारा लेयर है हमारे में संस्कार का, बहुत परत दर परत संस्कार हमारा बना जमा हो गया है। तो जब उसकी सफाई करेंगे तो एक परत पर काम करते करते लगता है कि सब ठीक हो गया, तब तक दूसरा परत एक्टिव हो जाता है, तो फिर उथल पुथल दिखने लगती है। तो ये चलने वाला है, तो उसको चलाना है और क्या, उस पर काम करना है। जैसा जमा करने में बहुत समय लगाया है, वैसे उसको जांच परख करके सफाई करने में भी टाइम लगेगा, तो उसको धैर्य पूर्वक करने की जरूरत तो है। तो दूसरे प्रश्न के बारे में ये, तीसरे प्रश्न के बारे में देखिए क्या है। हम लोग बार बार कह रहे हैं कि भाव के स्तर पर देखने का काम हो जाए, तो उसको हम सहज स्वीकार्यता के आधार पर तय करते। जब आप भाव से नीचे आते हैं विचार के स्तर पर, तो चीजें बहुत फैल जाती हैं। वहां पर तय करने जाएंगे कि क्या नेचुरली एक्सेप्टेबल है, तो तय नहीं होगा। उसका एक उदाहरण मैंने लिया था उस दिन कि शरीर का पोषण करना है कि संरक्षण, पोषण करना है कि शोषण करना है, कोई भोजन हम करने जा रहे हैं, है ना, तो हम किस लिए भोजन करेंगे, शरीर को पुष्ट करने के लिए या शुष्क करने के लिए, नर्चर करने के लिए या हार्म करने के लिए, हमारा भाव क्या है, ये अगर पूछेंगे तो आप हमेशा अपने नेचुरल एक्सेप्टेंस के आधार पर तय करते कि नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं, लेकिन आपसे ये पूछे कि शरीर को नर्चर करने के लिए आप रोटी खाएंगे या चावल खाएंगे, ये विचार का मामला है। इसको आप नेचुरल एक्सेप्टेंस की जगह पर तय नहीं कर पाए, तो आप जो कह रहे हैं कि इसके पक्ष में भी तर्क है, उसके पक्ष में भी तर्क है, वो तर्क पर आ गए हैं का मतलब आप विचार के लेवल पर आ गए हैं। उसके पीछे जो भाव है उसके लेवल पर जाकर पूछेंगे तो उत्तर मिल पाएगा। विचार के लेवल पर नहीं मिलेगा, विचार के लेवल पर जैसे हम आते हैं वैसे बहुत सारा परिस्थिति का मामला आ जाता है वहां पर। तो जो मैंने कहा था कि अगर आप उत्तर प्रदेश में है तो गेहूं रोटी खाना के लिए ज्यादा अनुकूल पड़ेगा, क्योंकि रोटी गेहूं पैदा होता है आसानी से यहाँ पर। छत्तीसगढ़ में है तो चावल ज्यादा अनुकूल बैठेगा, ठीक है ना। इसी तरह से अगर आपको कोई ऐसा रोग है जो जिसमें रोटी हानिकारक है तो आप रोटी नहीं खाने का विचार करेंगे, अगर ऐसा रोग है जिसमें चावल खाना हानिकारक है तो चावल नहीं खाने का के पक्ष में विचार करेंगे। तो ये विचार के लेवल जब हम आते हैं तो हमारा भाव प्लस बाहर का जो सारा स्थिति परिस्थिति है वो उसके योगफल में तय होता है। इसलिए वहां पर सिर्फ अपने सहज स्वीकार्यता के आधार पर आप तय नहीं कर सकते, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो एक लेवल पीछे जाना पड़ेगा, भाव के लेवल पर जाना पड़ेगा, वहां से पूछना पड़ेगा, तब वो शॉर्ट आउट हो जाएगा। भैया जैसे मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ कि अभी
मैंने मॉर्निंग सेशन शुरू में मुझे मैंने जनवरी से अटेंड करना शुरू किया, तो मुझे लगता है जून तक बहुत ही कंसिस्टेंटली और रेगुलरली अटेंड कर रही थी. और फिर मुझे ऐसे सुनते सुनते ऐसे ख्याल आया कि ये जस्ट सुनना एक चीज है, पर मेन चीज है कि अपने अंदर ऐसे सेल्फ एक्सप्लोर करना है, क्योंकि जब तक खुद नहीं समझ आएंगे तो फिर वो जस्ट लॉजिक तर्क के और ऐसे सुनकर उस समय हमें ठीक लगेगा, पर फिर कुछ और लॉजिक आएगा तो फिर हम डिवेट होते जाएंगे. फिर बीच बीच में क्या होता है कि जब मैं सुबह उठती है, वैसे ही मुझे आदत है ऐसे सुबह उठने की, तो सुबह उठती हूँ तो कभी ऐसे सवाल आता है कि सुबह का सेशन सुनना जरूरी है क्योंकि बहुत सारे डाउट्स अपने क्लियर हो जाएंगे. तो कभी कभी ऐसे आता है कि पर उससे भी जरूरी है कि कितना आप लॉजिक सुन लोगे, उससे अच्छा है कि वही टाइम अपने खुद खुद के विचार को फीलिंग्स को देखूं. तो जब मैं फिर फीलिंग्स को देखती हूं तो या विचार को देखती हूं तो फिर ऐसे जैसे मैंने बताया ऐसे नींद की तरह हो जाता है, अनरिलेटेड विचार आके मैं काइंड ऑफ नींद की तरह आ जाता है. तो फिर मुझे लगता है कि ये क्या मैंने किया, वैसे भी इसका तो कुछ फायदा नहीं हुआ जो मैंने सेल्फ एक्सप्लोरेशन किया, क्योंकि वो तो कुछ एक्सप्लोर हुआ ही नहीं है, खाली ऐसे नींद आ गई है. तो उससे अच्छा कि सुबह का सेशन सुनती थी. तो ऐसे तरह से कॉन्ट्रडिक्शंस चलते रहते हैं, तो ऐसे सॉर्ट आउट कैसे करने का फिर इसको. देखिए ये आपने अच्छा उदाहरण लिया है ना. क्या है कि सुबह के सेशन में हम लोग का जो फोकस है वो सुनना नहीं है, सुबह का फोकस जो है हमारा अपने पर ध्यान देना है. अपने पर ध्यान देने का काम ठीक से हो सके उसके बारे में कुछ बातें भी होती हैं, है ना. तो अभी तो गड़बड़ हो गया, मतलब फोकस ही गड़बड़ हो गया. सुनना का फोकस नहीं है, अपने पर ध्यान देना फोकस है. तो फैसिलिटेट करने के लिए कुछ बातें भी की जा रही हैं. तो अपना फोकस तो सुनने पर रखें, ध्यान देने पर रखें अपने पर. सुनने का काम होता रहेगा. ये जो बात अभी मैंने थोड़ी देर पहले कही थी कि कभी कभी शरीर के माध्यम से भी कुछ लेन देन कर लेंगे. मुख्य काम तो हमारा अपने में है, और अपने में हर क्षण अपने को काम करते रहना है. ठीक है ना. तो वही है, ये सब जो विचार के लेवल पर तय करेंगे ना कि इसको सुने या नहीं सुने, ये तय नहीं हो पाता. मुख्य तो भाव का मुद्दा है कि हमको अपने प्रति जिम्मेदार होना है कि नहीं. तो हमको अपने प्रति जिम्मेदार होना है, ये तो आप तय कर ही सकते हैं. अब अपने पर जिम्मेदार, अपने प्रति जिम्मेदार जब होंगे तब हमारे में जो है चीजें निरंतर चल रही हैं, तो निरंतर अपने पर ध्यान देना है. शरीर के साथ इंट्रैक्शन कभी कभी होता है तो कभी कभी ध्यान देना है. तो भाव अगर ठीक से पता चल जाएगा हमको तो विचार के लेवल पर चीजें हम डिसॉल्व कर पाएंगे. अभी हम भाव के लेवल पर तय नहीं कर पाते, इसलिए विचार के लेवल पर तय नहीं हो पाता. तो भाव के लेवल पर अगर ये दिख जाए कि हमको अपने प्रति भी जिम्मेदार होना है, शरीर के प्रति भी जिम्मेदार होना है और चीजों के प्रति भी जिम्मेदार होना है, तब हम उसका विचार करेंगे कि कैसे जिम्मेदार हूं. तो ये पता चलेगा कि सेल्फ तो निरंतर क्रियाशील है, हर क्षण सुख दुख हो रहा है तो हर क्षण अपने पर ध्यान रखना है. शरीर के साथ तो कभी कभी इंट्रैक्शन होता है सेल्फ का, तो जब इंट्रैक्शन होना है आवश्यक है तब ध्यान देंगे. ये सब बातें दिखने लगेंगी. तो अभी सुनना का मतलब क्या है, शरीर के माध्यम से कुछ आदान प्रदान कर रहे, वो कभी कभी जरूरी है, उतना कर लें, है ना. कोई सूचना लेनी है वो ले लिया, वो अपने पे काम जारी रखें.
अपने पे काम करते हुए कोई प्रश्न आ गया, दूसरे को बता दिया, उससे उत्तर को सुन लिया, फिर अपने पे काम जारी रखें। तो ये जो सुनने वाला काम है, बोलने वाला काम है, ये समय समय पर हो रहा है, सामयिक रूप से हो रहा है, वो लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य तो ये है कि हमारा अपने पर ध्यान जाए, अपने पर काम शुरू हो जाए। तो सुबह का सेशन में आपसे ये अपेक्षा नहीं है कि सिर्फ आप सुनते रहें, आपसे अपेक्षा ये कि आप अपने पर ध्यान दें। उस ध्यान देने के क्रम में कुछ है ना संकेत उपयोगी हैं तो हम लोग दे रहे हैं। आप प्रश्न, मतलब आप जब काम कर रहे हैं अपने पर, उसका कोई प्रश्न आ गया तो आप पूछ ले रहे हैं, इतना ही है ट्रांजेक्शन। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं तो सबके कोई ना कोई प्रश्न हर दिन आ जाते हैं, तो उसका उत्तर दे दिया जाता है, है कि नहीं? लेकिन आपको प्रश्न पूछना और उत्तर सुनना ये कंटिन्यूस काम नहीं है आपके पास। आपके पास कंटिन्यूस काम तो अपने पर ध्यान देना है, उसके लिए सुनने का काम कभी कभी जरूर होगा तो कर लेंगे, बोलने का काम जरूरी होगा तो कर लेंगे, इतना आवश्यक होगा इतना कर लेंगे। भैया आपने सही बोला कि मुझे पता नहीं ऐसे क्यों लग रहा था अभी, आई थिंक मैं क्लियर हूँ कि जो अपने पर ध्यान देना है उसके लिए कुछ अलग सा टाइम निकाल के जब मैं बैठेंगी तो मैं उसको सेल्फ एक्सप्लोरेशन मानती हूँ। तो वो मुझे कार्य करते करते समय भी ध्यान देना है, वो अभी तक आया नहीं है मेरे में, है ना? देखिए बहुत सारी मान्यता हम बनाए हैं बहुत समय से, वो सबको धीरे धीरे अपने को मूल्यांकित करना पड़ेगा। हो भी जाएंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया, धन्यवाद धन्यवाद भैया। हम लोग यहाँ रोक लेते हैं, कल से कुमार जी जो है अभ्यास दो पर काम शुरू करेंगे, तो बहुत अच्छा है। सभी को नमस्ते, रोक लें परीक्षित जी। जी जी सर, रोक सकते हैं। नमस्ते सभी को, नमस्ते नमस्ते, नमस्ते।